और वापिस आने के बाद उस समय तक यही था कि हम हिंदी फिल्म बनाएंगे कोई मेरा गढ़ वाली फिल्म की इंडस्ट्री को मैं जानता भी नहीं हूँ हमेशा उनसे डर लगता था कि यार मैं इनको बोलूंगा कि यार तुम आओगे तो बोला हम यहाँ से हैं और तू तेरे को हमने देखा ही नहीं काम की जानना चाहूंगा आपने कुछ दिखाया कि वहाँ पे कौवे आ गए वो नेचुरल कब हुए थे असली असली तो आपने दिखाई है हाँ। मैंने बताया ना कि उत्तराखंड के जो बताए जाते हैं पहाड़ वो ग्रीनरी दिखाई जाती है सब कुछ दिखाई जाती है दो दो। लेकिन आपने पहाड़ वैसे दिखाए जो वहां सच्चाई में है दो। दो। ओके नमस्कार दोस्तों फिर मुलाकात हो रही है आपसे एक नए एपिसोड में आज टॉक्स में हमारे साथ हैं उत्तराखंड के फेमस डायरेक्टर उभरते हुए डायरेक्टर संतोष सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है डी एफ एस के सिनेटॉक्स में साथ और साथ। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ आ, मिलने के लिए आए और बस आज का ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको तो बता देता हूँ कि सर की जो फिल्म है पातालती वो बोसान फिल्म फेस्टिवल मॉस्को फिल्म फेस्टिवल और इफ़ी गोवा में सेलेक्ट हुई और वहाँ काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला उत्तराखंड को आपने इंटरनेशनल लेवल पे लेके आ गए दैट वाज अ वंडरफुल थिंग मैं ये जानना चाहूँगा सर कि आपकी शुरुआत कैसे हुई कैसे इस लाइन में आप आए मैं जब मैं रुद्रप्रयाग से बिलोंग करता हूँ और वहाँ गांव की एक रिमोट हिल स्टेशन पे मैंने पढ़ाई करी और जब मैं देहरादून आया तो देहरादून में जब मैं 2004 में पहुँचा तो यहाँ मैं तैयारी करने लग गया वन डे एग्ज़ाम या मेरा लक्ष्य ये था कि मैं आई से इंटीग्रेटेड एम एस या मैथ्स में मैथ्स मेरे को पसंद थी लेकिन हुआ क्या कि बीएससी के सेकेंड ईयर में मेरी जो मुलाकात हुई वो आईआईटी खड़कपुर खड़गपुर के एक जो वहाँ से इंटीग्रेटेड एम एस सी कर, कर चुके थे उनसे हुई और वो उन्होंने मुझे कुछ सवाल दिए मैथ्स को लेकर के क्योंकि मुझे अप्लाइड मैथमेटिक्स में जाना था कुछ इस तरह से करना था और उन्होंने बोला कि मैं पर, पर घंटा एक सौ रुपये लूँगा और 2004 में बहुत होता था माने कि अगर मैं 18 घंटे बैठता तो अठारह सौ निकल जाते और घर से चार पाँच हज़ार रुपये ही आते थे ही ही। इससे ज़्यादा नहीं आते थे तो मैं बैठा रहा मेरे से वो सवाल हुआ ही नहीं और उन्होंने बोला फार्मूला नहीं लगाना है तो मुझे पता चला कि जो मैंने अभी तक पढ़ा है और जो ये पढ़ा रहे हैं वाकई में वो रियल है और जो मैंने पढ़ा है वो बिल्कुल कचरा था तो मेरा जो मैथ्स में जाने का सपना था वो चूर हो गया लेकिन फिर भी मेरे को अभी भी मैथ्स से वो है मैंने प्रेम है लेकिन मुझे लगा कि वाकई में मैंने इतने सालों में वो चीज़ गंवाई और उसी दौरान क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल लोग थे उनके साथ मिला साहित्य लोग साहित्य के लोगों के साथ मिला उनमें से किसी ने मेरे को चाली चैपलिन दिखाया और चाली चैपलिन की ऑटोबायोग्राफी मुझे दी और मुझे उनके बारे में पता चला कि ये बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से आए तो उससे पहले मुझे बॉलीवुड की फिल्में देख के लगता था कि पता नहीं कहाँ के लोग हैं इतने करोड़ों रुपए इनके पास हैं तो उस दौरान मैंने यहाँ का थिएटर ज्वाइन करा थिएटर ज्वाइन करने के बाद मैंने पूछा कि मुझे सिनेमा में जाना है कोई इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे किसी ने मेरे को नहीं बताया फिर मैंने उस समय थोड़ा बहुत इधर से उधर से पता करा नेटवर्ट में वो समय आ गया था फ़ोन वगैरह तो तब पता चला कि एफ एक संस्था है एस भी है तो दो के आसपास मैंने एस आर का एग्ज़ाम दिया लेकिन मेरा हुआ नहीं और फिर मैंने दोबारा दिया फिर मैंने जामिया का फॉर्म भी दिया और जामिया का एक अच्छा इंसिडेंट मैं बताता हूँ कि जामिया में जो साउंड पढ़ाते हैं वो मतीन अहमद पढ़ाते हैं वो एफ टी आई ग्रेजुएट हैं उनको नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है अब मैं पेपर देने गया था जामिया मिलिया में एफ का उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो भारत का झंडा है उसके जो कलर हैं वो किस ऑर्डर में है ओके। और मैं तो पढ़ के नहीं गया था क्योंकि <laughs> मैं तो मूड आके चले जाता था मैंने कहा क्रिएटिव होगा तो पता नहीं अपने आप को आदमी वही समझता ना समय हम तो तुर्रम और मैंने वो ऑर्डर गलत लिख दिया अच्छा झंडे का जो जो हमारा फ्लैग है नेशनल फ्लैग अच्छा। है और वो हंस रहे थे उसमें और जब मैं मैंने कि ये इंसिडेंट होते रहे क्योंकि पता था कि यार हम सिनेमा में बहुत सारी चीजें होती हैं दिल्ली में जाके पता चला उसमें पेंटिंग भी है उसमें साहित्य भी है उसमें लाइट भी है उसमें कैमरा भी है उसमें बहुत सारी चीजें हैं और फिर सत्यजीत रे के बारे में पढ़ना शुरू करा उनकी फिल्म देखनी शुरू करी तो पता चला सत्यजीत रे तो इलस्ट्रेटर भी थे उनके पूरी खानदानी मैंने कि अगर उनकी जर्नी आप देखेंगे तो फिर मैं एन के बाहर एक दिन में पेपर लेके आया मैं इलेस्ट्रेशन करने लग गया तो किसी ने बोला भाई अगर तू ये शुरू करेगा तो तेरे को 20 साल लग जाएंगे ठीक है <laughs> ये तो मत कर उसने बोला यहाँ की सारी जितनी भी पेंटिंग गैलरी है वहाँ घूमना शुरू करो तुम और पेंटिंग टटोलते रहो तो वहाँ से थोड़ा सा वो सेंस डेवलप होने लग गया लाइटिंग सेंस डेवलप होने लग गया और फिर मैंने एफ वगैरह छोड़ दिया मैंने कहा मेरी बस की नहीं है और ये वाकई में यहाँ बहुत ही इंटेलिजेंट लोग जाते होंगे मेरे को और मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपको अपनी गलतियाँ भी स्वीकार करनी चाहिए और फिर 2014 तक मैंने इधर उधर काम करा थोड़ा तेलुगु इंडस्ट्री में काम किया थोड़ा किसी तमिल डायरेक्टर के साथ काम किया थोड़ा मुंबई में काम किया फिर 2014 में घर में फैमिली में दिक्कत हो गई फिर मैं वापस आया और वापस आने के बाद उस समय तक यही था कि हम हिंदी फिल्म बनाएंगे कोई मेरा गढ़ वाली फिल्म मैंने यहाँ की इंडस्ट्री को मैं जानता भी नहीं हूँ काम भी नहीं करा हुआ है ओके। लेकिन जब मैं यहाँ उत्तराखंड घूमने निकल निकला क्योंकि मेरे जेब में पैसा होता नहीं था मैं मिनिमम पैसे ले जाता था और लोगों के घरों में रहता था कभी इस डिस्ट्रिक्ट में चले गए कभी उत्तरकाशी चले गए उस दौरान मेरे को पता चला कि मैं अपने स्टेट को ही नहीं जानता हूँ और वहां से फिर रिवाइव शुरू हुआ फिर मेरे जो पुरानी कहानियां थी उनको मैंने टटोलना शुरू करा और उसी में जब मैंने एक फीचर फिल्म लिखी और जब मैं लिखता रहा तो एक साल तक मेरे को कुछ आया ही नहीं पेपर पे नहीं। क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं इतना बड़ा डायरेक्टर तो हूँ नहीं कि कोई मेरे को देगा फिर ये था कि पैसा कौन देगा तो मैंने मिनिमलिस्ट जो होता है अप्रोच होता है उसके साथ क्योंकि फिर वर्ल्ड के डायरेक्टर पढ़ना शुरू करा फिर उन्होंने लगा कि भाई आपको अगर पहली फिल्म बनानी है तो सबसे कम पैसे में इकोनॉमिकल फिल्म बनानी पड़ेगी सही और मेरी जितनी कहानियां थी उसमें दुनिया भर का पैसा था क्योंकि पहाड़ में आपको जाना ही बहुत महंगा पड़ जाता है जी क्योंकि यहाँ संसाधन नहीं है बिल्कुल तो उसके बाद फिर ये हुआ कि जो एक फिल्म मैं बना रहा था उसमें एक बूढ़ा आदमी है जो अपनी लास्ट चाइना बॉर्डर पे कहीं गांव में है और वो इंतज़ार कर रहा है कि मेरे को मौत का हो इस तरह की कहानी थी लेकिन उसमें भी यही था कि दो चार जनरेशन थी चार मौसम थे फिर चार मौसम दिखाना था फिर बर्फ़ थी मेरे पास कोई दोस्त था नहीं और ना मैं मैं फिल्म स्कूल के दोस्तों को बहुत जानता था लेकिन मुझे हमेशा उनसे डर लगता था कि यार मैं इनको बोलूँगा कि यार तुम आओगे तो बोला यार हम यहां से हैं और तू तेरे को हमने देखा ही नहीं काम क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें क्योंकि हम जिस घर से आते हैं जहां से आते हैं तो एक शाइनेस भी रहती है कि हमें थोड़ा सा ये भी रहता है अंडर प्रेशर रहता है और दूसरा ये रहता है कि जैसे एनएसडी के बाहर ही हम खड़े होते हैं और जो अंदर होता है तो हमें लगता है पता नहीं क्या पढ़ा रहे होंगे वहाँ पढ़ाते तो है मने कि उन इंस्टीट्यूशन के लिए हमारी रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए एन में छब्बीस लोग जाते हैं एफ में दस लोग जाते हैं उसमें भी जर्नल की बहुत कम सीटें होती हैं तो पूरे देश से अगर पांच लोग वहां जा रहे हैं तो कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना आपको उसके लिए फाइट तो करना पड़ेगा सही। अगर आप वहां जा रहे हैं तो उसका फायदा उठाइए और जो नहीं जा रहा तो कम से कम जाके अच्छे लोगों को असिस्ट पढ़े पढ़े किताबें बहुत सारी चीजें तो इसी जर्नी के साथ जब मैं गाँव में था तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी लोगों के एक्सपीरियंस पे तब मैं लिखना शुरू करा फिर दूसरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि जब मैंने वो लिखना शुरू करा तो वो एक शॉर्ट फिल्म के उसमें कन्वर्ट हुई स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट की जर्नी भी कुछ और है मेरे साथ तो जब मैंने तो लिखी वो शॉर्ट फिल्म के स्क्रिप्ट से कि यार एक बुढ़्ढा होगा वो कहीं पे बैठा होगा इंतजार कर रहा होगा तो कैमरा ही की जगह पे रहेगा तो खर्चा ज्यादा नहीं होगा ठीक एक ही कपड़ा होगा उसका तो क्या खर्चा होना है लेकिन क्या हुआ जब मैंने उसकी कास्टिंग करी तो जब वो बुढा मूवमेंट करने लग गया ना तो मूवमेंट बड़ा क्या होता है भाई कोई भी बॉडी होती है कोई भी कैरेक्टर फ्रेम में इधर उधर मूव कर रहा है तो आप डायलॉग तो बार बार बुलवाओगे नहीं उससे जी। भाई उसका जो पूरा फिजिकल दिखेगा उसके चलने से दिखेगा उसके देखने से दिखेगा उसके सुनने से दिखेगा क्योंकि क्योंकि वो कैरेक्टर है है उसका क्या हुआ है उस टाइम पीरियड में क्योंकि आप नब्बे साल के एक बूढ़े को दिखा रहे हो तो उसका मूवमेंट होगा जब मैं उस मूवमेंट को पकड़ने लग गया ना उनके उनके साथ तो वो शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट फीचर फिल्म में कन्वर्ट हो गई अच्छा तो वहां से उस बूढ़े ने मेरे को सिखाया कि फीचर फिल्म लिखते कैसे अच्छा एक्टिंग करवाते कैसे हैं तो मैंने बॉम्बे में, में जो काम करा उसके बाद जब मैं अपने गांव में ऑडिशन लेना शुरू करा तो बहुत सारे लोग मेरे को डराते थे यार तूने थिएटर नहीं करा है क्योंकि थिएटर मैंने जब देहरादून में एक बार पहली बार करा था तो मैं बिल्कुल एकदम वो हूँ स्टिफ हो जाता हूँ कैमरे के सामने हो अच्छा। ही जाते हैं जैसे आप भी करते हैं बिहाइंड द कैमरा तो हमें पता है कि भाई कैमरे के सामने का बॉडी अलग होता है और कैमरे के पीछे का काम करने वाले का अलग होता है तो जब मैंने उनके साथ काम किया तो जो बूढ़े थे वो केदारनाथ में खच्छर चलाते थे और पत्थर वत्थर फोड़ते थे उनको पढ़ना भी नहीं आता था ठीक ठीक पर मेरा उनका फिजिकल मिलता था मेरे करेक्टर के साथ और जो करेक्टर मैंने लिखा हुआ था अपने दादाजी की जर्नी पे लिखा हुआ था मैंने क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता था उनको बैठे एक ही जगह पे बैठे रहते थे जब भी मैं मुंबई से आता था ना मैं उनको बोलता था कि यार ये मरे नहीं गया अच्छा आठ साल से एक बंदा एक ही जगह पर बैठा हुआ जब

और जब मैंने उसकी कास्टिंग करी उस फिल्म की तो उस बुढ़े ने जो बिल्कुल अनपढ़ थे उन्होंने जब मूवमेंट करना शुरू करा उस स्क्रिप्ट में तो वो जो शॉर्ट फिल्म थी वो फीचर फिल्म में कन्वर्ट हो गई अच्छा। एक एक मूवमेंट वहां से आया तो उन्होंने मेरे को बताया कि एक्ट भी कैसे करवा दे किसी से अच्छा अब उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को पैसा नहीं मिला मैंने चार पांच सीन छह सात सीन शूट करे मैं बहुत दूर गया नीति बॉर्डर पर गया शूट करने के लिए और वो उस स्क्रिप्ट के साथ इतना इन्वॉल्व हो चुके थे कि उन्होंने बोला कि यार मेरी अब लास्ट विश यही है कि मेरे नाती की नौकरी लग जाए मैं ये फिल्म कर लू क्योंकि तूने मेरे ऊपर भी बहुत खर्चा कर दिया है क्या मैंने कहा मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है पर वो बीमार भी रहते तो मैं थोड़ा बहुत दे देता था उनको एक बार देहरादून भी ले आया अब उनका इतना उसके साथ जुड़ा हो गया था लेकिन अचानक से उनकी क्या हो जाती है मैंने वो बीमार पड़ते हैं और मुझे लगता है यार पता नहीं ये बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे तो तभी एक इंसिडेंट होता है गाँव में जो पताल थी पे मैं अब आ रहा हूँ और वहाँ एक बूढ़ा होता है वो बूढ़ा बोलता है कि यार मुझे ऊपर जंगल का पानी चाहिए और मेरे को हंसी आती है सुन करके यार मैंने कहा बूढ़े लोग क्योंकि हमारे जा, हमारे पहाड़ों में क्या मुझे लग रहा है कि चाहे आप यूपी बिहार में भी जाते होंगे तो पुराने लोग उन्हें क्योंकि चीनी तो बहुत बाद में आई अंग्रेजों ने दिया दिया जो भी दिया, जी, जी। तो जो भी तो मीठा होता था वो बहुत ही ज्यादा लग्जरी था सही। तो बहुत मीठी चाय पीते थे पुराने जमाने के लोग ठीक है खड़े चम्मच की खड़े चम्मच की चाय जैसे बोलते हैं भी जाते थे तो उनको अगर आप जलेबी लेके दो तो बोलते हैं भाई जलेबी चाहिए हमें मीठी मीठी मिठाई चाहिए तो वो जो पतालती का वो था कि मुझे लगा कि ये हलवा यार हलवा मांगते हुए मैंने सुना है कि मेरे को मीट दे दो हलवा दे दो दारू दे दो बहुत सारी चीजें लेकिन पहली बार एक आदमी बोल रहा है कि मुझे, जंगल, मुझे के जंगल के ऊपर का वो खास पानी खास चाहिए पानी चाहिए। पताल दीजिए तो मेरे को लगा यार ये कुछ प्रॉब्लम तो है कैरेक्टर के साथ तो मुझे फिर मेरे को अपना फिर बचपन याद आया तो होता क्या था जब हम कॉलेज जाते थे स्कूल जाते थे तो स्कूल में क्या होता था कि सुबह पिताजी टीचर थे हम खाना खाते थे अब खाना क्या होता था सुबह चावल बनते थे शाम की बासी रोटी रहती थी पिताजी ने भी स्कूल जाना हमने भी स्कूल जाना है माँ तो गांव में रहती थी तो पिताजी के साथ हम पढ़ते थे अब शाम तक आते आते पूरी आदमी का टायर्ड हो नहीं। जाता नहीं। था, था खाना क्या खाना है ठीक है उस समय तनख्वाह भी कम होती थी उस जमाने का टाइम अलग है आज पैसा आ चुका है नाइन्टीज से पहले पैसे नहीं था इस देश के अंदर आप भी जानते हैं कितनी कम सैलरी होती थी अब हुआ क्या कि रात को जब पिताजी खाना बनाते थे ना तो इंतज़ार रहता था कि यार खाना खाना है तो वो जो खाने का टेस्ट है मुझे मैं भी भी मोमेंट हो है। उस उस तो नहीं नहीं है। तो होते हैं ना वो हमारी लाइफ में हमेशा याद रहते हैं चाहे हम अपने बच्चों को भूल जाए चाहे हम अपने बाप को भूल जाए भाई को भूल जाए लेकिन जब हम लाइफ के लास्ट पड़ाव पे पहुँचते तो वही याद रहता तब मुझे याद रहा है कि यार इस बूढ़े के लिए वो पानी इतना खास रहा होगा कि जब ये अपने गाय बच्चों को चराता होगा ऊपर हाँ, में और जब इसके खाना नहीं रहता होगा तो शायद इस पानी को पी करके इसने अपनी जर्नी को क्या करा होगा हाँ, जिंदा रहा, रहा होगा रहा है। रहा है। तो मैंने कहा पानी को समझना पड़ेगा और उसकी को देखना पड़ेगा तब मैंने ये लिखा और तब यही चीज घटना हुई थी नीति में कि वो अपनी पूरा रिचुअल निभाने के लिए ब्रह्म कमल को लेने जाते थे ऊपर सोलह हजार फीट पे अच्छा जी तो मैंने कहा यार एक रिचुअल पूरा करने के लिए एक गांव 16000 फीट पे जा रहा है ऊपर है जा रहा है। और तब जाके वो क्या पूरी पूरा एक कल्चर है उसको रिवाइव कर रहे हैं भले मर मर के कर रहे हैं लेकिन रिवाइव कर रहे हैं बचाए हुए हैं और सेम ये पानी भी है क्योंकि पानी भी हमारे कल्चर से रिलेटेड है क्योंकि पानी की हम पूजा करते हैं तो मैंने उन दोनों को पैच अप कर दिया तो उसको थोड़ा सा एक फोक का लुक दे दिया थोड़ा रियलिस्टिक कर दिया। ऐसा नहीं कहानी आस पास से जाए तब जाके ये पताल की जर्नी शुरू हुई थीक, थीक। और इसको मैंने लिखा और मुझे लगा कि मैं उन जी को कास्ट करूंगा इसमें दादाजी की भूमिका में और उस पर कर नहीं पाया क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी उससे पहले अच्छा वो जो जो पहली पहली फिल्म फिल्म में में जिनको मैंने कास्ट करा था उनकी डेथ हो गई थी तब मैंने दूसरे बूढ़े को कास्ट करा लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरा जो स्कूल का जर्नी रहा जो मैंने सीखा मैंने इन लोगों से सीखा थी, थी। और सामने वाले को अगर आप सुनना शुरू करोगे उनको जानना शुरू करोगे क्योंकि मेरी उम्र तो पैंतीस साल है छत्तीस साल है आपकी भी इतनी है लगभग नहीं, नहीं नहीं ठीक <laughs> है मैंने जितना ही है <laughs> पर कोई हमसे अगर अस्सी साल का बंदा है साठ हाँ। साल का बंदा है और हम उसको बोले कि यार तेरे से तो हम जानते हैं तू जानता क्या है सही, सही। पर उसके का experience तो experience है जितना हम सुनेंगे, जितना हम उनको शायद हम फिर अच्छा बना पाए हाँ, अच्छा तो ये पतालती की जर्नी थी और मेरा सिनेमा का जर्नी भी थोड़ा बहुत ऐसे ही रहा मैं पातालती के बारे में जानना चाहता हूँ मैंने वो फिल्म देखी मेरे साथ ही बैठ के वो बड़ी प्यारी फिल्म है सॉफ्ट सी मैं उस टाइम आपसे कोई सवाल नहीं पूछा अब मैं पातालती के एक सबसे बड़ी चीज जो है वो जो बच्चे का जो बिगनिंग का ही सीक्वेंस है और वो जो लोटे में पानी के बबल्स हैं बिल्कुल वो आप शुरुआत में जब दिखाए और क्या मतलब हम समझ गए पाताल थी आ गया होली वाटर साफ पता चल गया वो जो बबल्स थे और साउंड चूँकि आपने आ,

तो हो, होता क्या है कि जब हम शॉर्ट फिल्म लिखते हैं तो शॉर्ट फिल्म में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है टाइम अच्छा ड्यूरेशन होता है और टाइम ड्यूरेशन भी नहीं होता है कि स्क्रिप्ट में ये होता है कि हम विजुअल से स्टोरी कैसे नरेट करें ये साउंड से कैसे स्टोरी नेरेट करें तो वो कहते हैं जैसे कुमाऊं में नोले होते हैं ना तो पानी रिस्क के ऊपर आता है तो सिनेमा में मैंने थोड़ा सा लिबर्टी ली है कि थोड़ा सा बबल आता आता होगा फिल्म में थोड़ा सा वो क्या हो गया ज्यादा हो गया तो उस बच्चे को ये पता है कि जो पानी में लेने जा रहा हूँ उसमें बबल आता है नहीं तो कहीं का वो ही वो लास्ट में भी आपने दिखाया लास्ट में मैंने खत्म करा है उसको खत्म किया है उसी बबल से वो उसको जोड़ा है आपने। बिल्कुल उसको मैंने उसके साथ ऐड करा हुआ है तो फिल्म की शुरुआत ये होती है कि मैं मैं क्योंकि फेस्टिवल के लिए फिल्म बनाई जा रही थी दिमाग में ये था कि फेस्टिवल तो एक मेच्योर दर्शक आएगा वहाँ बिल्कुल तो वो साउंड से रिलेट कर लेगा कि भाई बच्चे के दिमाग में चल क्या है उसकी साइकोलॉजी में वो बबल चल रहा है ठीक और बबल का इल्यूजन उसको हर जगह दिख रहा है सामने हाँ, ड्रम है हाँ, ड्रम में भी बबल बन रहा, बबल बन रहा, है।, बन रहा है और उसको जैसे ही बबल सुनाई दे रहा है वो उसके कान खड़े हो जा हाँ, जा रहा है एकदम से पता चल रहा है कि हाँ, पानी यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल जैसे हम क्या होता है कि चावल हमने रखे रहते हैं घर के अंदर और हमें कोई बोलता है कि भाई चावल पे दो सीटी आ जाएगी नहीं तो जल जाएगा तो अगर हमारी आंख भी लग गई तो वो सीटी का हमारे बल्कि कभी कभी सपना भी हो जाता है हाँ। और सपने से वो इल्यूजन टूटता है और हम जा करके बोलता है कहा था और चावल जल गया सही। तो सेम वही होता है कि हमारी लाइफ में भी वही होता है कि जिसके लिए हम जितना वो होते हैं उतना वो हमारे दिमाग में चलता है तो हमारा सिनेमा में भी वही काम होता है कि हम उस जो कैरेक्टर उस चीज को फॉलो कर रहा है वो कौन मानी कि दिमाग में क्या सोच रहा है उसके बारे में और जब वो अगर हम उसको दिखाएंगे नहीं तो फिर वो जर्नी आगे कैसे बढ़ेगी अगर मैं बोल के बता दूं कि इसमें बबल होगा ये होगा हाँ। तो फिर वो कहीं पे सुना दो यार फिर फायदा क्या है करके हाँ। बिग दी तो ये था वो ओके और थैंक यू इस सवाल को पूछने के लिए <laughs> नहीं मैं उसको कनेक्ट किया ना क्योंकि आ, क्योंकि उसकी एक जो जर्नी है जो आ, बच्चा है पहले तो दादी उसे कोस रही है बिल्कुल पानी के बारे में ही कह रही है बिगाड़ दिया है वो पातालती जो पोते है, रहते हैं भाई वो पोता वही सुन रहा है हर बार पता नहीं कब लेके आएगा अब देन वो वन फाइन डे दादा को देख के छाता को उठा के चल पड़ता है और वो फिर आपने जो बेहतरीन पहाड़े दिखाए हैं और वो भी ऐसे पहाड़ जो उत्तराखंड के पहाड़ जो लगभग फिल्म मेकर्स लोग ना अवॉइड करते हैं हाँ, हाँ, इस तरह है। के पहाड़ सूखे तो, पहाड़ पत्थर बिल्कुल उनके बीच में आप लेके गए हैं पहली बार जो भी उत्तराखंड को दिखाता दु है वो खूबसूरत पिक्चर्स के जिसे कहते हैं ना वो दिखाना ग्रीनरी ये वो हाँ। लेकिन आपने दिखाया पत्थर बिल्कुल और उस बच्चे की वो जो दिखाया ना आपने जर्नी पत्थरों के बीच में फिर उसका लॉस होना रोटी जाना उसके पैर में से चप्पल टूटना उसकी छाता जाना दूसरा दूसरा ये भी है ना सर कि होता क्या था कि जैसे 20 साल पहले अगर आप जाएंगे पहाड़ों में चाहे कहीं भी चले जाएंगे तो लोग पानी लेने के लिए एक किलोमीटर हाँ, दूर जाते थे, पर जाते थे नोला होता था धारा हाँ, होता था कहीं भी चले जाता था कहीं कहीं पानी की इतनी समस्या होती थी लोग झरनों से भी भरते थे वो सूख जाता था तो आप अगर जब पानी के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तो उस पानी को आप क्या करोगे सेव करोगे ठीक है पानी नल से आपके घर में आ रहा है तो दो घंटे नहाइए आइए पैसा ही तो देना हाँ, सही और जिस दिन वो पानी खत्म हो जाएगा तो क्या आपका पैसा उस पैसा, पानी को क्रिएट कर पाएगा अच्छी फिल्म देखने के लिए आप स्ट्रगल सही तो आपको सिनेमा की ज्यादा समय आप अच्छा साहित्य खोजोगे अच्छा खाना खोजोगे तो उसके लिए टाइम लगता है तो वही वही ये भी जर्नी है कि भाई पानी को खोजने के लिए जब आप इतना दूर जाएंगे और पानी का क्या होता है कि जब मैंने इस फिल्म के लिए बहुत सारे वाटर साइंटिस्ट से बात करी तो उन्होंने बोला क्या होता है कि जहां से पानी निकलता है और जब वो पाइप में जाता है तो उसका मीडियम जब चेंज हो जाता है तो उसका टेस्ट भी चेंज टेस्ट दे। दे। भी बिल्कुल भी बदल, बदल जाता, जाता है तो यही मेरा सवाल था कि जो आपने जो बच्चे की जर्नी दिखाई ना वो और जो आपने वो जो बबल्स के थ्रू उसके उसे ढूंढना क्योंकि ऐसे तो वो ढूंढता रहेगा पहाड़ों में कहाँ है पानी तो आपने उसे एक हिंट दिया कि दिस विल बी दिंट बिल्कुल अब चूंकि वो दादा बोल रहे हैं पताल थी जो कि आपने कहा कि वो पहाड़ में जाते होंगे वो आपने अभी बता ही दिया गया स्ट्रगल ऑफ वाटर बहुत है पहाड़ों में दिल्कुल, दिल्कुल। कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है पानी के लिए अब होता भी यही है जैसे बुजुर्ग भी हैं उन्हें जैसे नलके का पानी जैसे मैं मैं प्लेन को देहरादून को बिलोंग करता हूँ तो जो नलके का पानी पीते थे बुजुर्ग लोग उन्हें नलके का पानी चाहिए उन्हें टैंक का नहीं चाहिए था और आजकल तो हमारे बच्चे जो हैं उन्हें हम आर का पानी पिलाते हैं और हम लोग और आप लोग आपने भी देखा होगा कि हम तो नॉर्मल टैप वाटर पानी पिए या फिर वो झरने में से ऐसे करके पी लिए सीधे पी लेते हैं। तो हमें तो कोई कभी बीमारी नहीं हुई आजकल हम लोग अपने बच्चों को देते हैं आर का पानी पीना दिखो दिखो। तो वो जो पहाड़ का जो आपने बताया जहाँ तक ये जर्नी है जो होली वाटर मतलब वो उसके दादा की जो इच्छा है वो पूरी करने की आपने जो लास्ट उसे खत्म किया है पे कि मैंने आपको फिल्म खत्म होने पे बोला था कि बाद में पूछूंगा ये है वो सवाल कि आपने कुछ दिखाया कि वहाँ पे कौवे आ गए वो नेचुरल कवे थे हाँ वो नेचुरल राइट हाँ। कोई एसएफएक्स हाँ। वीएफएक्स नहीं था नहीं, नहीं कुछ नहीं तो वो जो कौवे और फिर लुटिया का डुबोना जो वो क्या दिखाना चाह रहे थे आप उससे हाँ एक इंसिडेंट हुआ था गांव में मैं बताना चाहूँगा मैंने बताया भी, बहुत कम जगह बताया कि एक दिन क्या हुआ कि एक जो दादाजी थे वो बैठे हुए थे वहाँ पे और मैं बोल रहा आठ साल तक वो बैठे थे एक जगह पे और एक दिन मेरा भाई और हम बैठे हुए थे और जितना बड़ा ट्रेजिडी होता है उतनी बड़ी हंसी आती है तो जो होता है ना वो मैना आती है जिसको हम गढ़वाले में सेंटोला सेंटोला बोलते हैं और हिंदी में उसको मैना बोलते, मैना हैं।, बोलते हैं।, अब वो आई आने के बाद वहां पे बैठी और बैठने के बाद उड़ करके मेरे दादाजी के सर पे बैठ गई अच्छा वो बीडी पी रहे हैं ठीक है इधर उधर देख रहे हैं लेकिन उनको ये पता नहीं चलता है कि वो चिड़िया उनके ऊपर बैठी हुई है और हम जोर जोर से हंसने लग रहे हैं देखो यार बुढ़े को तो होश भी नहीं है यार ऊपर से चिड़िया बैठ गई <laughs> और फिर अचानक से वो हंसी डाउन हो जाती है हमारी और मैं बोलता हूँ कि यार अब शायद इनके जाने के माने कि हाँ, आठ साल में, में तो नहीं गए ये पर शायद दो तीन महीने में ये हुँ। हुँ। चले जाएंगे और तीन महीने के बाद उनकी डेथ हो जाती है ओके। तो एक तो ये इंसिडेंट हुआ था बहुत सारे हमने गांवों में भी ये सुने थे कि भाई जब कौवा आता है तो या तो मेहमान आता है आपके यहाँ दूसरा क्या होता है कि जब हमारे यहाँ श्राद्ध होते हैं तो हम प्रसाद देते हैं तो कौए को ही देते हैं लेकिन बहुत सारे जब कौवे आते हैं कहीं पे तो वो कहीं पे डेड चीजें होती है या कुछ बैड सिंबल होता है वैसा होता है तो हम जब इस जर्नी को बढ़ा रहे थे या हमने ये था कि जब वो तालाब तक पहुंच जाएगा और पाला, दादा तो बिल्कुल मर रहा था वो बिल्कुल भाग रहा है उस पानी को पाने के, के ले आऊ और मेरे दादा बच जाए जिससे लेकिन जब वो वहां पे जाएगा और वहां पे जहां पे भी पानी होता है जहां पे भी मंदिर होता है वहां पे खाना मिलता है कुछ भी होता है ज्यादातर अमूमा कौवे वहीं रहते हैं कौए मैंने आप जाएंगे हाई माउंटेन में कौवे मिलते नहीं है लेकिन ज्यादातर इस जगह पे मिलते हैं तो मुझे ये था कि अगर मैं सिम्बोलिकली खत्म करूंगा इस चीज को कि भाई बहुत सारे कवे आ चुके हैं तो बच्चा क्योंकि बच्चे के जो कपड़े हैं बच्चे का जो पूरा लिबास है वो पूरा ऑर्गेनिक है के कपड़े पहन रखे हैं हाँ, हाँ, मैंने टी शर्ट भी नहीं पहना है उसको तो मैंने ये भी इसलिए भी करवा, किया है ये सारा जो डिजाइन उसको करा हुआ है जिससे कि, जिस कि लोगों को ये लगा कि ये गांव से बाहर आया नहीं भेड़ पालने वाले का बच्चा वहीं का है, हाँ। वही का है। हाँ। अगर वो वहीं का है तो उसको सारी कहानियां पता होंगी उसको पता होगा वो एनवायरमेंट क्या होता है वहाँ क्या मतलब होता है तो जब हमने सुना है तो उसने भी सुना होगा वो तो हमसे भी ज्यादा सही वो है ऑर्गेनिक फॉर्म में है वहाँ पे तो फिर यही था कि जब वो सारे कौे आते हैं और उसको लगता है वो पानी भरता है और बहुत सोचता है उसके बारे में तो उसको लगता है कि यार अब मेरे दादाजी चले गए होंगे ओके तो अब ये पानी लेके क्या करूंगा का भी करूँगा वो उसको डुबा दे वो भी मुझे भी यही चीज महसूस हुई कि क्योंकि जो क्रोज हैं वो हमारे पुरखों के लिए जैसे अब श्राद्ध आएंगे तो श्राद्ध में हम लोग कौवों को खिलाते हैं तो बहुत सारे कौवे आपने दिखाए और भी उसके बाद उसने लुटिया को छोड़ दिया छोड़ तो, तो दैट मीन्स जो वहाँ की आ, पानी के जो आसपास हैं वो हमारे पुरखे हैं और पानी मांग भी हमारे पुरखे ही रहे भी 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 थे बुजुर्ग मांग रहे थे तो जो मुझे लगा पर्सनली जो मुझे लगा कि आपने ये बताने की कोशिश की है कि जो वहाँ पे देवी देवता यानी कि हमारे जो पुरखे हैं वो उसे मना कर रहे हैं कि बेटे अब इसकी आवश्यकता नहीं हाँ, है और वही चीज आपने वहाँ पे उसी को वहाँ पे एंड कर दिया हाँ जैसे वो बुढ़िया भी वो बुढ़िया भी बोलती है ना वहाँ अछरिया रहती हैं वैसे बोलते मुझे लगता है कि ये सब कहानियां इसलिए गड़ी जाती हैं हमारे पहाड़ों में कि लोग नेचर को खराब ना करें हाँ मैंने अगर ऐसा हो जाएगा कि आपको वो सारी कहानियां इसलिए गढ़ी हुई हैं कि भाई अब जैसे वो जाते हैं ये पोर्टर जाते हैं वहां पे वोटर के अलावा पहले हमारे बकरी वाले जाते थे छः-छः महीने रहते थे तो छः महीने निकलने से पहले पूजा होती थी तो मैं यहाँ से माइंड सेट करके जाऊंगा तो मुझे वहां कुछ नुकसान नहीं होगा क्योंकि आप अकेले घूमेंगे वहां दो लोग घूमेंगे और पूरे जंगल की ही जर्नी है खाना के लिए भी आपको मिनिमम खाना है उसमें तो वो जो जर्नी है उन लोगों की और

मैं uh, सवाल आप उसके बारे में बता रहे थे कि जो वो जो जो जो, हा, हा, जो, आ, मन, जो ब, एरिया है जो एरिया है तो वो बच्चा जब आ रहा है ना तो उसमें जब हमने सारा सामान उसका वो कहानी में छुड़वाया है तो आप देखते होंगे कि जब भी हमारे यहाँ पानी की पूजा होती है तो हम नंगे पैर जाते जाते पानी के सामने मतलब क्या है भाई क्योंकि हमने बोला कि ये सब अंधविश्वास है मैं संसारिकता को दूर किया है बिल्कुल बिल्कुल और पानी का संसारिकता का, यहाँ का बिल्कुल। है छाता एक संसारिकता का है वो सारे हट गए सारे हट गए और वो जब गया है तो वो मतलब जिस तरह से आपने दिखाया ना कि नॉर्मल जाता है आदमी कुछ भी नहीं बचता उसके उड़ा वैसे ही जाता है जैसे है बिल्कुल नेचुरल वे में पहुंच गया हाँ जैसे आप बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ बहुत सारे सवाल है और ने तीर मारा वहाँ से पानी निकला जो महाभारत का सिक्वेंस है तो सिक्वेंस कई जगह रिपीट होता है लेकिन लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं वो हुआ है महाभारत में लेकिन आप किसी गांव में जाएंगे तो तो बोलेंगे कि जब पांडव हैं तो बोलते उससे क्या कर दिया, आपने? हाँ, रिलेट कर दिया।, कर दिया लेकिन जब भी हम उन नोलों की पूजा करने जाते हैं तो नंगे पैर जाते हैं थीक? जूता नहीं जाते हमें उसको ये नहीं बोलना चाहिए इसका मतलब ये है कि हमारे बुजुर्ग इतने सेंसिटिव थे वाटर के लिए वो पानी के, वो लिए। पानी के लिए इतने लेकिन पीपल की पूजा होनी चाहिए मैंने पीपल क्या दे रहा है आपको नहीं। नहीं। आप उसका पॉजिटिव फॉर्म भी तो देखिए हाँ, ना और फिल्म मेकर का काम होता है कि हम सिर्फ उन प्रोग्रेसिव लोगों की बात ना सुने हम उन गांव वालों की बात सुने कि वो क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा उसके ऊपर जब हम इन सब चीज़ों को ब्लेंड करेंगे तब जाके वो पब्लिक के पास जाएगा और शायद वो फिर दोबारा हम उसको सेलिब्रेट करने लग जाएंगे ये और रसूल पुकट्टे जी को आपने कैसे रोपन किया इस फिल्म में हाँ इस संयुक्ता काजा जी ने जब एडिट करा है इसको तो हमने मैंने कि संयुक्ता काजा जी को बोला कि आप उसका मैंने साउंड वाउंड का भी कुछ कर दीजिए जो टेक्नीशियन हो या तो उन्होंने बोला कि जैसे मेरे को खोजा आपने वैसे आप साउंड के लिए भी अप्रोच करिए तो फिर मैंने बोला कि करण अर्जुन एक जस्ट फॉली वाले हैं मुंबई में मौकुद को मैंने बोला यार फॉली वॉली वहाँ से करवाते हैं बहुत बढ़िया है नाम भी है पर तभी क्या हुआ कि मेरे दिमाग में आया कि मैं एम में भी जाता था जामिया में और वहाँ मदीन अहमद मत थे उन्होंने बताया था कि ये एफ टी आई पास आउट है इन्होंने इस इस फिल्म में किया उनको नेशनल अवार्ड में मिला हुआ देखा चलो एक बार नंबर मांग के अप्रोच करते हैं और एक बंदे से मैंने रसूल सर के मैनेजर का नंबर ले लिया था मैनेजर क्या थे वो वो भी साउंड डिज़ाइनर ही हैं तो मैंने वो नंबर दिया मुकुंद को और यहाँ मैंने कॉल करा सात बजे मैंने कॉल करा मतीन सर को नंबर लेके तो मैं बोला कि सर मैंने कहा एक फ़िल्म बनाई है तो बोला क्या है कैसे किस उसमें मैंने कहा सुनीता का, का जहा जिन्हें इसको एडिट करा हुआ है तो बोला कि हाँ मैंने कहा अगर अच्छी होगी तो मैं ज़रूर करूँगा तो बोला नौ बजे कॉल करना तो सात आठ आठ बजे के आसपास मैंने उनको कॉल लगाया तो लगा नहीं कॉल शायद पता नहीं कहीं हो जाता है जैसे तो वहाँ से मुकुंद का कॉल आता है कि यार रसूल सर ने हाँ बोल दिया है और वो कह रहे हैं कि आप फुटेज भेजो अपनी तो मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात होगी अब क्या फ़ोन करना होगा तो उसके बाद हमने मतीन अहमद से मैंने जो वो सर थे उनसे मैंने फ़ोन उन पे कॉल भी नहीं करा उनका लगा भी नहीं फ़ोन तो मैंने कहा फिर दोबारा बात करूँगा तो वो ठीक नहीं होता है एक बंद एडिटिंग में भी ऐसे ही हुआ था कि मैम और हैं एडिटिंग की वो एफ पास आउट हैं उनको भी मैंने सुनाया था लॉग लाइन तो उन्होंने बोला कि लॉन्ग लाइन मेरे को अच्छी लग रही है आप आ जाओ तो मैंने ये देखा हुआ है कि अगर आपकी नीयत ठीक है आपने मेहनत करी हुई है और आपका इंटेंशन और विज़न है माने कि आप सिनेमा में इसी वजह से आ रखे हैं कि हमें स्टोरी टेलिंग ही करनी है अगर आपका विज़न कुछ इतर है कि मैं ये हूँ मैं फलाना हूँ ये कर दूंगा वो कर दूँगा तो मुझे लगता है तब दिक्कत आती है लेकिन आप अगर अच्छी इन से आते हैं कि यार वाकई में मैं स्टोरी टेलिंग के लिए आया था मुझे अपने यहाँ की कहानियां कह दी हैं अपने दिल के अंदर जो भी कुछ कहानियां वो कहनी है तो मुझे लगता है आपकी जर्नी बन जाती है उसमें टाइम लगता है उस टाइम की जर्नी में अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वेल एंड गुड है नहीं जाते हैं तो फिर अच्छे लोगों को ढूंढिए अच्छे लोगों को असिस्ट करिए या जो आपके दोस्त हैं उनके साथ सीखिए जैसे मैं एम में गया वहाँ के लोगों ने मुझे बुक भी दी बाइक इवन वो बुक लेके भी आते थे मेरे रूम पे यार संतोष ये बहुत अच्छी बुक है हमारे टीचर लोग रिकमेंड करते हैं इसको पढ़िए तो जब मैं इसको पढ़ता था तो मेरा थोड़ा सा नॉलेज बढ़ता था फिर वो वो सिनेमा सिनेमा भी मेरे को रिकमेंड करते थे यार आपको यूरोप का ये देखना चाहिए चाहिए फिल्म देखनी चाहिए। तो मुझे लगता है वो सर्कल होता है और वो सर्कल वो टाइम वेस्ट नहीं होता है उस समय जिस समय हम उस टाइम को बिता रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हो और दूसरा ये होता है कि जब हम दूसरे का काम देख रहे होते हैं तो हमारा ये होता है कि ये बंदा कहाँ गलती कर रहा है ये गलती तो मैं जब शूट करूंगा तब नहीं करना चाहिए सपोज कोई बंदा चार किताबें पढ़ गया है बहुत अच्छी कहानी भी उसके पास होगी या उसने बहुत सारा सिनेमा भी देखा होगा मैं एक नहीं? बंद कमरे में की बात कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस ये भी रहता है नहीं। नहीं। और लोग बोलते हैं कि यार डायरेक्टर के पास तो नॉलेज होनी चाहिए और विजन होना चाहिए नहीं। नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप बंद कमरे में बैठ के फिल्म देख लेंगे पढ़ लेंगे लेकिन जो ऑन द स्पॉट गलतियाँ होती हैं ऑन द स्पॉट जब आप बारिश का इंतजार कर रहे होते हैं बारिश नहीं होती कुछ और हो जा रहा होता है तो तब आपका डिसीजन क्या होगा तब क्या होगा तो ये आपको लोगों के साथ काम करके आएगा अगर उसने गलत करा हुआ है तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि जब मैं शूट करूंगा तो इसके लिए मैं क्या चूज करूंगा जैसे मैं फिल्म शूट करने जाता तो मैं यहाँ मौसम विभाग के पास गया कि भाई मौसम ठीक रहेगा क्या तो उन्होंने बोला कि वहाँ सैटेलाइट तो है नहीं नीति में <laughs> पर हम अनुमान में बता सकते हैं कि नहीं होगी बारिश बर्फ पड़ने की संभावना बाद में तो हम क्योंकि हम टीम बहुत छोटी है पैसा हमारे पास लिमिटेड है पर टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा है उस टाइम को ढंग से यूटिलाइज करो अच्छी टीम लो अच्छे लोग लाओ जो तुम्हारा बोझा भी उठा सके माने कि ऐसा बंदा नहीं कि आपने इंटेलिजेंट बंदा तो ले लिया पर बोतल उठाने के लिए वो बोला भाई मैं बोतल उठावा गया तो यहाँ ऐसे बंदे चाहिए जो ये ये काम कर सके ठीक ठीक तो इसमें बोझा उठाने से लेकर के विजन से लेकर लिखने वाले से लेकर सबका काम है कलेक्टिव एफर्ट कलेक्टिव एफर्ट है ये और यही सीखना चाहिए आदमी को और उसमें मुझे लग रहा है एज ए डायरेक्टर कि भाई ये बंदा आकर के मेरे डायरेक्टर को डायरेक्शन को भी इनहेंस कर देगा सही तो उसका भी वेलकम होना चाहिए इतना ओपन होना चाहिए ओके तो मैं इसके लिए ओपन था क्योंकि मेरे को पता था मेरे पास पैसा नहीं है तो इस वजह से शायद इतने सारे लोग मिले मुंबई से लेकर के उत्तराखंड तक और ये छोटी सी फिल्म हमने बनाई थीज़ी। और ठीक ठाक बन गई लोगों को पसंद आ रही है सही है। तो भाई यही था तो अब इसके बाद ये एक सवाल आता है कि ये फिल्म तो बन गई रसूल जी भी आ गए नहीं। 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 आ गई ये फिल्म फेस्टिवल में इतना अच्छा करके जाएगी ये कैसे मतलब आपने फिल्म फेस्टिवल्स में कैसे निर्णय लिया इसको भेजने का

फ्रांस में भी भेजा था इधर उधर भेजा था बहुत ज़्यादा फेलियर हुआ तो मुझे पता था कि ये कैसे काम फेस्टिवल सर्किट में कैसे घुमानी है फिर तो जब मैं हम थे तो हमारे ग्रुप में भी मैं बहुत सारे फेस्टिवलों की बात करता था लेकिन होता क्या है कि मैं किस इंटेंशन से फेस्टिवल के बारे में बता रहा हूँ और सामने मेरा ग्रुप वाला उस फेस्टिवल को, को कैसे रिसीव कर रहा है ठीक है तो मैं अगर किसी बड़े डायरेक्टर के बारे में बता रहा हूँ तो वो उसका और भपका मचा रहा है <laughs> ये वाली बात होती है <laughs> क्योंकि हमने तो ये सीखा हुआ है ना कि कोई भी अगर बड़ा डायरेक्टर है तो उसकी एक बड़ी जर्नी होती है वहां तक पहुंचने की या अगर वो कुछ उसमें चेंज भी कर रहा है तो उसके लाइफ का प्रोसेस है वो या उसका सोचने का प्रोसेस है तो यही फिल्म के साथ हुआ कि हमारी फिल्म सेलेक्ट नहीं हो रही थी पर हमारे क्रू में से बहुत सारे लोगों को नहीं है कि ये बर्लिन में भेजनी चाहिए काउंस में भेजनी चाहिए ये होना चाहिए वो होना चाहिए मैंने कहा यार फिल्म का ड्यूरेशन चौबीस मिनट है ये सेक्शन में फिट नहीं बैठती है वहाँ पैसे क्यों बर्बाद कर मैं। नहीं नहीं। रहे तो भेज के फायदा क्या आप तीन हजार रुपए अपना बर्बाद कर रहे तो उसके बाद किसी भी फेस्टिवल में हमारी फिल्म सेलेक्ट नहीं हुई लेकिन लास्ट में जब पहला फिर हमें ये लगा कि यार भेजो आप ठीक ठाक जो फेस्टिवल हो रहे तब हमें पता चला सिर्फ वैसे ही फेस्टिवल नहीं होते हैं जो आ, वो होता है ना जो आ, मिलता एक हाँ, बड़ी संस्था हाँ, होती है वो इंटरनेशनल प्रोड्यूसर पता नहीं कौन सी है जैसे फीफा का का फुटबॉल होता है है वैसे ही एक संस्था भी जिससे गोवा भी एफोलियेशन हाँ, है कोलकाता भी रहर, है रहर, वो एक जगह हो जाए तो फिर वो आगे कई जगह चली जाती है तब ये था कि बहुत सारे जैसे बाफ्टा है ऑस्कर है इनका भी एक अपना एग्रीडेशन दे रखा बहुत सारे फेस्टिवल का तो मैंने कहा जिन इसने जितने फेस्टिवल उनको देखो भी भेज दो तब हमारा भूसान इंटरनेशनल

उसके बाद जब मैंने उसका पूरा लिखा यहाँ के न्यूज़पेपर में भेजा तो उन्होंने बोला की मीडिया <laughs> तो हाँ। का ये क्या है तो वो वहाँ पे भी सिलेक्ट की फेस्टिवल में भेज सकते हैं ऑस करके उसमें डाल सकते हैं क्योंकि लंबा प्रोसेस है उसने अगर नाइन सिक्सटी फेस्टिवल को रिकमेंडेशन दिया है कि यहाँ से फिल्म जो जीत के आएगी उस हाँ, वो तो नॉमिनेशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं है। तो अगर हम वहां जीतते तब नॉमिनेशन के लिए हम क्या थे तो हमको पूरा फेस्टिवल का ऑस्कर क्वालिफाइंग मीडिया ने उसको छाप दिया कि ऑस्कर में तो मेरी गलती गई उसमें ऑस्कर दी गई तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि यहाँ के जो एक आम जर्नलिस्ट का मान ऑडियंस तो छोड़िए उनको तो ऑस्कर बताइए जो जर्नलिज्म है जर्नलिज्म में मैंने उस जर्न जर्नलिस्ट की भी गलती नहीं है नहीं। ये हमारे पूरे लोगों की गलती है कि हमने कभी सिनेमा को नहीं से, 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 हाँ। और और नहीं लिया उसको वो की की कोशिश अब होता क्या है कि मुझे पता है कि उत्तराखंड में मैं ही नहीं हूँ सिनेमा बनाने वाला यहाँ बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग भी है साहित्यकार है रंगकर्मी है साहित्य लिखते हैं साहित्य में तो उत्तराखंड बहुत आगे अगर कोई ये बात लिख रहा होगा अखबार में

तो फेस्टिवल में घूमने के लिए भी प्रॉब्लम ये होता है कि शॉर्ट फिल्म वाले को आप टिकट नहीं देता कोई भी फेस्टिवल मैंने किसी के दिमाग में ये है कि वो अगर फलाना फलाना बड़े फेस्टिवल में सेलेक्ट हो गया तो वो राजा बन जाएगा तो ये एक गलत <laughs> है उसको दिमाग से निकाल तो वो तो है आप थोड़ा सा क्या हो गए एक फिल्म सर्कल के अंदर क्या हो चुके हैं अप्रोचेबल हो चुके हो चुके हैं अब आपको और ज्यादा फट मारना पड़ेगा खिड़की खुली है खिड़की खुली है अभी 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 अंदर आपने झांकना शुरू करा हुआ है तो फिर जब हम उस फेस्टिवल सर्किट में घूमे तो मुझे लगा कि ठीक है हमने एक फिल्म बनाई है लोग उसको अप्रीशियेट कर रहे हैं लेकिन अप्रीशियेशन के बाद नया क्या है नया तो कुछ भी नहीं है आपको फिर वही जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी तो फिर मुझे इन फेस्टिवल चाहे वो इफी गोवा हो या चाहे वो मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो या बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा रिव्यू भी लिखा तो फेस्टिवल में जाके फिर ये होता था कि यार अगर अच्छा रिव्यू दे रहा है ना तो वो खुशी का वो होता था कि कि यार उस प्रोग्रामर ने ये बोला आपकी फिल्म में यारोग्राम की एक घंटे बहस हो रही है तो तब लगता था कि यही हमारा क्या है अवार्ड है ये अवार्ड है अब उसमें तीन प्रोग्रामर बैठे हुए हैं वो आपको मार्क्स अलग दे रहा है वो अलग दे रहा है तो विनिंग चांस भी अलग है क्योंकि उनके अलग अलग अपने क्या है कंसर्न है कि उसको कौन सी फिल्म कौन सी फिल्मों को क्या करना है भाई हो सकता अच्छा। है वोमेन वो एलजीबीटी उनका प्रेफरेंस हो आपकी फिल्म वहाँ फिट ही नहीं हो रही है। आप दिमाग से यहाँ तो तो बैठा के बैठे पैरामीटर लेके बैठे हाँ उनके पैरामीटर अलग है आपकी पैरामीटर अलग है सही। और उस पैरामीटर में मैं ही फिल्म नहीं बना रहा हूँ हजारों फिल्म उसमें आ रही है और हजारों फिल्मों में से उनको बीस फिल्म में सेलेक्ट करनी है दस फिल्म में सेलेक्ट करनी है तो आपको पता नहीं है ना नहीं। तो इस, इसका भी यही प्रोसेस ये यह सही पता चलता है कि आपके पास जो भी आइडिया आ रहा है आप उस आइडिया को ढंग से लिखिए और ढंग की फिल्म बनाइए उसको जहां सेलेक्ट होना होगा जहां जर्नी होगी वहां चले जाएगी नहीं भी सेलेक्ट होगी और वो अच्छी फिल्म होगी तो जरूर अप्रिशिएट होगी आज नहीं होगी तो दो साल बाद होगी दो साल बाद नहीं होगी तो दस साल बाद होगी क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो जब बनी तब अप्रिशिएट नहीं हुई बाद में अप्रिशिएट हुई ऐसा है बहुत सारी यही फैक्ट तो है। तो गुरुदत्त साहब के साथ भी है तो संतोष जी ये तो फिल्म रिलेटेड और आपसे पाताल टी के बारे में बात हुई अब थोड़ा सा अपने प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे नहीं। में नहीं। तो जैसे कि आपने ये एक्सपीरियंस किया नॉन फिल्म स्कूल बैकग्राउंड और सेल्फ मेड फिल्म मेकर देन फिल्म फेस्टिवल सर्किट को पूरी तरह से आपने जज कर लिया है तो अभी उत्तराखंड में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो छुपी हुई हैं कहीं लेंस लेके ढूंढने अब वो हमारे यहाँ पे तब दिखती हैं जबकि वो बाहर छुपा जाती है जैसे जाती है। आप आपकी फिल्म जब भूसान में चली गई तो आ, अरे भाई संतोष जी है तो अब आपका क्या उम्मीद है कि हमारे सर प्रदेश में क्योंकि हमारे यहाँ पे नई सरकार है और जो हमारे सीएम साहब हैं वो भी बिल्कुल जवान है हाँ हम दो डू यू थिंक अभी कितनी प्रतिभाओं के लिए क्या क्या आयाम आम हम पैदा कर सकते हैं मेरा तो थो थोड़ा यही मानना है कि मैं कभी किसी मन किसी भी पॉलिटिशियन को अप्रोच नहीं कर सकता हूँ मैंने कि मन मन नहीं करता अंदर से अप्रोच करने का क्योंकि इससे पहले बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं बहुत सारे लोग गए होंगे या आप भी गए होंगे बहुत सारे फिल्म स्कूल से बच्चे निकलते हैं वो भी जाते हैं क्योंकि हर एक को एक फिल्म बनानी होती है अब वो चाहते हैं कि अगर मैं किसी सोशल या यहाँ से रिलेटेड फिल्म हो तो उसमें सरकार भी थोड़ा सा मदद, मदद करे, करे। या यह यहाँ की पब्लिक यहाँ मदद करे लेकिन होता क्या है कि जब हम यहाँ के जो मंत्री हैं चाहे वो कोई भी मंत्री हो चाहे वो दस साल पहले रहा हो चाहे वही हो वो अगर फीता काटने के लिए मेले में जा रहा है मेले का रिबन काट रहा है रामलीला को देख रहा है और रामलीला से ऊपर वो उभर ही नहीं रहा है तो रामलीला माने कि मैं राम की बात नहीं कर रहा हूँ मतलब कोई भी कार्यक्रम हाँ जो गाँव में रामलीला होती थी कार्यक्रम की बात हो, हो, है। हो सकता है शहरों में भी हो रही है यहाँ भी हो रही है हम पचास साल से वही रामलीला कर रहे हैं आज भी वही रामलीला हो रहे हैं उसके दर्शक भी वही है मॉडर्न दर्शक भी वही है उसमें ठीक है और जो हमारे नेता हैं वो भी उस उसी हमने उस रामलीला को भी इनहेंस नहीं करा लेवल पे ठीक है थिएटर थिएटर के लेवल पे वो बड़े लेवल पे नहीं बड़े लेवल पे नहीं, नहीं तरीके से करें। वो वही है आज भी पीछे से प्रॉम्प्टिंग होती है वो आगे से बोलता है और हम बोलते हैं हमारा कल्चर है कल्चर हेरिटेज होना जो हेरिटेज होता है वो होना चाहिए लेकिन जो आपका कल्चर में हो रहा है रामलीला हो रही पांडव लीला हो रही है जब आप उसको अपने गांव से बाहर लेंगे उसको एनहेंस करेंगे तो तब जाके वो स्टेट लेवल पे जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा फिर स्टेट लेवल पे हो सकता है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी चले जाए और वो जिंदा रहेगा जी लेकिन क्या हुआ आज राम लीला अभी वही है पंडाओ लीला अभी वही है और जो भी होता है आपके यहाँ भुड़देवा नाश्ता हो चाहे कोई भी नाश्ता हो वो गाँव के जर्नी तक सीमित रहेगा क्योंकि आपने उसको गाँव तक दायरे तक बांधा हुआ है लेकिन साउथ में क्या हुआ साउथ में जो डांस थे चाहे वो कथकली हो भरतनाट्यम हो चाहे वो पहले घरानों तक थे घरानों से जब वो बाहर निकले तो उन्होंने स्टेट में दौड़ लगाई डिस्ट्रिक्ट स्टेट के बाद वो नेशनल लेवल पे, पे, पे है और नेशनल के बाद आज क्या है इंटरनेशनल लेवल पे, 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 पे है और आपको उनको कई सालों तक साधना करनी पड़ती है तब जाके आपको रिकग्नाइजेशन मिलती है तो हमें भी अपने यहाँ के जो होते थे तीज त्यौहार जिनमें हमारे डांस हैं चौपला बहुत रोते यहाँ पहाड़ी तो रोता ही रहता है कि हमारे चोपला कक्ष जेऊ हमारे जो जब तुम कभी उसको गांव से बाहर नहीं लाया तुमने उस मेहनत ही नहीं करी नहीं। तुम उसको स्टेट लेवल पर तक नहीं ले गए नेशनल लेवल तक नहीं ले गए तो वो मरेगा ही ना कौन सेलिब्रेट करना चाहोगे फिर तुम पंजाबी डांस ही करोगे और क्या करना है तो सेम सिनेमा के लिए मेरा भी यही अप्रोच था कि जब पूरी कम्युनिटी की मेंटेलिटी सिर्फ इस तरह का विजुअल सेंस पे हो तो मेरी फिल्म को क्यों देख लेगा या मेरे को पैसा क्यों देगा वो और यही इंसिडेंट मेरे साथ ये हुआ कि हर कोई मुंबई के सिनेमा को क्या करता है गलत तो बोलता रहता हाँ, हाँ, है है बोलना बोलना कुछ भी लेकिन जब मैं पहाड़ से आता हूँ और जब उस तरह की फिल्में देखता हूँ तो मेरे दिमाग में भी तो रहता मेरे पास बड़ी कार होगी ब्यूटीफुल एक सुंदर लड़की से मेरी शादी होगी मैं पैसा कमाऊंगा बड़ा बंगलो लूंगा तो जब हम इस माने कि उस पहाड़ की रियलिटी को छोड़ के इस ग्रामर में आते हैं हम बचपन से हमें वो सिखाया जाता है तो जो सिनेमा होगा वो हमारा वही होता है अवचेतन होता है जिसको हमें बचपन से सिखाया जाता, सिखाया जाता है है और वही वो, वो बेच रहा है, तो गल, गलत क्या हो रहा है भाई सही वो मार्केट आप नहीं कर रहे वो कर रहे हैं तो अब पहाड़ में भी अगर हम वही रियलिटी बेचेंगे जैसे मैंने ये पतालती बनाई तो पतालती में मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट ये रखा हुआ था कि थोड़ा सा वो फोक का जैसा लुक दे भोग मतलब एक होता है ना कि एक क्या बोल सकते हैं उसको बेसिकली अगर सिनेमेटिकली देखें तो रियल बेस जो कि वहाँ पे है हाँ। जो सच्चाई है रियल में, में थोड़ा सा इल्यूजन हाँ। थोड़ा हाँ। सा मैंने इल्यूजन करने की कोशिश करी कि आपने पहाड़ तो देखा हुआ है हाँ। लेकिन कैमरे के एंगल से मैं दिखाता हूँ आपको की वो चट्टान कैसी होती है वो मेजिकल भी लग सकती है असली असली तो आपने दिखाई है मैंने बताया ना कि उत्तराखंड के जो बताए जाते हैं पहाड़ वो ग्रीनरी दिखाई जाती है सब कुछ दिखाई जाती है लेकिन आपने पहाड़ वैसे दिखाए जो वहाँ सच्चाई में है वो बिल्कुल हकीकत है की पहाड़ वैसे है वो भी देखना चाहिए वो सिरा भी देखना चाहिए जहां हमको हिमालय भी होता है जर्नी यहाँ तक ग्रीनरी तक भी है और जब तक हम उस पूरे पैटर्न को नहीं समझेंगे तब तक हम अपनी कम्युनिटी को भी नहीं समझ पाएंगे वो कम्युनिटी हिमालय के तलहटी में भी रहती है और यहाँ भी रहती है लेकिन होता क्या है जब हम सिनेमा जब मैं आया सिनेमा में तो हमारी मैं जब वहां तक जर्नी मैंने शुरू करा तो तभी मेरे को पता चला कि मैं उत्तराखंड जान मैं हिमालय को जानता ही नहीं हूँ और अभी भी नहीं जानता हूँ भटक नहीं, नहीं बिल्कुल आप वहीं पे हैं आपका यही था कि उत्तराखंड हाँ, है हाँ, तो अब जब मैं जब मेरे को ये पता चला ना हिमालय के बारे में तो तब मैंने वो लैंग्वेज का दिमाग से हटा दिया जब मैं पहली बार आया था ना मैं हिंदी फिल्म बनाऊंगा तो मुझे तब ये दिमाग में हट गया कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होती सिनेमा में जी क्योंकि जब मैं वहां जा रहा हूँ तो मुझे नया इनोवेशन मिल रहा वहाँ पे उनका हमारे तरफ सोचना क्या है उनके पास कहानियां नहीं है और वो कहानियां मैं समझ रहा हूँ और जब वो कहानिया हम समझते हैं और जब हम जै, जैसे वहाँ पे मेरे को बुढा मिला था जब उसने मुझे तिब्बत यात्राओं के बारे में बताया तो तिब्बत यात्रा की जर्नी जो उन्होंने मेरे को बताई थी तो पूरा होता है कि जब हमारे बुजुर्ग लोग वहाँ की कहानियां बताते हैं दंत कथाएं बताते हैं तो वो अगर किसी को भी बताई जाएगी या उसका कुछ भी बताया जाएगा तो मुझे लगता है कि उनके अंदर क्या होती है पूरी डेफ होती है लेकिन हम उसको टटोलने की कोशिश नहीं करते हैं तो वही चीज जब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जो उत्तराखंड सरकार है उत्तराखंड सरकार का भी वही विजन मुझे लग रहा है जो हमारे यहाँ के मंत्री है क्योंकि उन्होंने कभी उस तरह से अप्रोच, की नहीं, की अप्रोच नहीं करी या जानने की कोशिश नहीं करी नहीं। और एज ए फिल्म मेकर जो यहाँ काम कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं वो भी अपने गाँव तक ही क्या है हुँ, 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 है। हुँ, उन्होंने कभी अपने गांव से इतर दूसरे घाटी में जाने की कोशिश नहीं करी बल्कि उल्टा मेंटेलिटी बता दी यार पौड़ी के ये होते हैं उमाउनी हुँ, वो हुँ, होते, हुँ, हैं, के होते हैं उत्तर का ऐसे हैं और हम श्रेष्ठ हैं। जो श्रेष्ठता का एक तगमा हो सकता है हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ लेकिन इसी चक्कर में हम क्या हो गए खत्म हो गए और जब सिनेमा बनाने का जो अप्रोच होगा सिनेमा का बचान बनाने का अप्रोच भी ये होता है कि मैं गढ़वाली फिल्म बनाऊंगा गढ़वाल में इतनी ऑडियंस है कि नहीं है नहीं। वो चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा यहाँ हॉल है कि नहीं है तो मेरा ये मानना है कि अगर आप फिल्म बनाएंगे कहानी कहेंगे और वो आपके यहाँ के बुजुर्ग की कहानी होगी तो वो पूरे बुजुर्गों की कहानी होगी अगर आप उसको किसी भी लैंग्वेज में बनाएंगे तो शायद आज के डेट में तो ओ है बहुत सारे प्लेटफॉर्म है और सिनेमा विजुअल का मीडियम है उसमें तो लैंग्वेज बहुत एक पार्ट है उसका डायलॉग है और डायलॉग लिखने वाले भी बहुत कम है जी मैंने आप हिंदी सिनेमा में भी जाएंगे तो जो डायलॉग रा, राइटर है वो हाँ। रिनाउमड है हाँ। एक जमाने में आज ऐसा डायलॉग राइटर अब भी मुश्किल है अब, अब मुश्किल हाँ। है दौर में हाँ। तो आज के डेट में तो नॉर्मल डायलॉग डिलीवरी होती है तो इस तरह का सिनेमा अगर हम बनाएंगे इस तरह की चीजें बनाएंगे तो उसके लिए ऑडियंस सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं है उसके लिए ऑडियंस बाहर भी है एक सवाल आपसे माफ कीजिएगा मैं आपको काटना हूं। हाँ। अभी आपने एक्चुअली तीनों का ही जिक्र कर दिया उत्तराखंड में उत्तराखंड है राइट तो एक एरिया है जो की जोनसारी है जिसकी भाषा ही अलग है इधर कुमाऊनी उसकी भी डायलेक्ट है अलग ही है और गढ़वाली जो उसका डायलेक्ट अलग है तीन भाषाएं एक ही उसमें तो एज अ फिल्म मेकर क्या ये एक अजीब सी घटना नहीं घट गई कि एक फिल्म को अगर हम बनाते हैं गढ़वाली में तो वो गढ़वाल के एरिया में ही चलेगी या तराई के हिस्से में चलेगी नहीं। जौनसारी नहीं नहीं। नहीं। कुमाऊनी में बनाएंगे तो गढ़वाली और जौनसारी रह जाएंगे जौनसारी में बनाऊंगा तो कुमाऊनी एंड गढ़वाली नहीं देखेंगे तो एक सीमित रह गया वो तो ऐसी सिचुएशन में एज अ फिल्म मेकर जो इस टाइम हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो वैसा कैसे मतलब ऐ, ऐसी सिचुएशन में उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए हाउ ही गो अबाउट इट मतलब इस तरह से लैंग्वेज के जैसे आप देख रहे होंगे अभी जो पहाड़ में जो गाने भी आ रहे हैं ना तो जो नया यूथ आ रहा है ना वो पहाड़ी को हिंदी वर्जन में गा रहा है मैंने कि थोड़ा सा पहाड़ी तक वो पहाड़ी भी बदल बदल करके हिंदी दो शब्द है और फिर हिंदी, जैसी हो चुकी है वो पहाड़ी भी वो ठेठ पहाड़ी नहीं ठीक है तो वैसे भी फिल्म मेकर भी बहुत सारे फिल्म मेकर ऐसे होंगे ना जो ये चाह रहे होंगे कि हम भी डायलॉग ऐसे लिखें कि वो पंजाबी को भी समझ में आ जाए या आ, यूपी वाले को भी समझ में आ जाए ऐसा होगा नहीं मुझे नहीं लगता सिनेमा में ऐसा होता है मुझे लगता है कि अगर आप अगर फिल्म बना रहे हैं वो एक टाइम और स्पेस में होती है और उस टाइम और स्पेस में एक पर्टिकुलर डायलेक्ट होता है पर्टिकुलर टाइप की बोली होती है कॉस्ट्यूम होते हैं भाषा भी वैसी होती है पुराने अगर 10 साल पहले जाएंगे तो हमारे बाप दादाओं के बीच में वो अंग्रेजी वर्ड नहीं होंगे आज के डेट में उस जमाने में वो नहीं बोल रहे होंगे कॉर्नर कहाँ होता है तो मुझे लगता है हम हम उस लैंग्वेज के बजाय अपनी स्टोरी टेलिंग पे ज्यादा अगर मेहनत करें कि भाई मेरे हमारे यहाँ के बुजुर्गों की जर्नी पहाड़ में एक टाइम पे वो सामान लेने के लिए और नमक लेने के लिए नीचे कोट आते थे और इतना पैदल चलते थे उसमें वो भेली लेकर के आते थे और उस भेली का प्रसाद बनता था मान कि आदमी उस भेली लेने के ले कहाँ से आ रहा रुद्रप्रयाग से नहीं। रामनगर नहीं। या द्वार आ रहा है द्वार और कोट द्वार, द्वार से वो पहले खाना भी ले जाएगा ना इतने दिनों की जर्नी है आज तो आप घंटे में पहुंच जा रहे हैं जी जी। अपने रुद्रप्रयाग में में लेकिन पहले उनको दिन लगते होंगे अब दिनों में वो जर्नी भी नि, नि, निपटाई होगी अगर आप उस जर्नी को ही ब्यूटीफुल कहेंगे तो कुमाऊं का भी बंदा कनेक्ट हो जाएगा यहाँ का बंदा भी कनेक्ट होगा हरेक के साथ वो हरेक के साथ हुआ है वो हमारे तो हम उसके बजाय हम सबसे ज्यादा पहले टारगेट करते हैं कि कितने कुमाऊनी होंगे कितने गढ़वाली होंगे इतने हॉल में रिलीज होगी या नहीं होगी तो मुझे लगता है एज ए फिल्म मेकर जब वो बहुत बड़े आयाम पे आप बना रहे हैं तब तो लैंग्वेज का हम देख सकते हैं कि भाई करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं ये हो रहे हैं लेकिन जब आप एज ए कम्युनिटी पहला अपने बिगनिंग शुरू कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप अगर आप वो कहानी आपकी कम्युनिटी से आई है तो कहानी भी वहीं की होनी चाहिए और भाषा भी वहीं की होनी चाहिए या आप थोड़ा सा ये कर जैसे मैंने करा पता मैं कि मैंने लैंग्वेज बहुत कम रखी और ज्यादा हाँ, से ज्यादा विजुअल मुश्किल से चार पांच डायलॉग चार चार थे सब लेकिन हमने कम्युनिकेट कर दिया उसके थ्रू थ्रू हाँ, विजुअल्स के ज्यादा कम ज्यादा ज्यादा कम नहीं या तो विजुअल को स्ट्रॉन्ग रखिए या तो आप अच्छे डायलॉग राइटर बनिए और अपनी कम्युनिटी को एंटरटेन करें और डायलॉग राइटर बनने में भी बहुत टाइम लगता है वो भी कोई ईजी टास्क नहीं है मेरे हिसाब से अच्छा संतोष जी मैं एक जानना चाहूंगा ये चीज ये आई थिंक हमारे व्यूवर्स भी जानते होंगे और जानना चाह रहे होंगे जो उत्तराखंड के हैं हमारे पास पैसा होता नहीं है लोग स्टोरीज हमारे पास हैं। वी हैव स्टोरीज और उसे हमें ओके करना है फिल्म पे हालांकि आजकल सस्ता मीडियम हो गया है फिल्म मेकर्स के पास डिजिटल मीडियम है वो कर सकते हैं क्योंकि जैसे आपने अपना पैसा लगा के इस फिल्म को स्टार्ट किया था फिर दुण। दुण। बाद में कहता ना कि कर्म आपका जुड़ते चले गए लोग तो ऐसा वो जो लड़का पहाड़ पे बैठा हुआ है बागेश्वर या जागेश्वर में बैठा हुआ है और वो अपनी कहानी सुनाना चाहता है हालांकि आजकल वे बना के वो अपने पूरे गांव को दिखाते हैं और उन्हें खूब यूट्यूब से पैसा मिल रहा है पर अगर वो कई एक फिल्म इस तरह की बनाना चाहता है तो उसके लिए आपकी क्या राय होगी उसे क्या एडवाइस करेंगे अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए मेरा तो ये मानना है जैसे एक विजुअल मैं बता दू मैंने पहले पता किसी इंटरव्यू में बताया था कि जैसे पहाड़ में घास काटती है ना महिलाएं तो हम हमेशा उनको दुखी मन से दिखाते हैं अच्छा। यार पहाड़ी औरतों की बुरी हालत हो रखी है वो घास काट रही है ये काट रही है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी हमने उस चीज को महत्व दिया ही नहीं, नहीं। पहाड़ियों ने भी नहीं दिया उनके बच्चों ने भी दिया या पहाड़ की उस महिला ने भी इनडायरेक्टली बोला कि यार बेटा मैं घास काट रही हूँ तुम अच्छा पढ़ लिख लोगे अच्छी नौकरी करोगे तो चले जाओगे तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी मेरी तरफ घास नहीं काटना पड़ेगा लेकिन मैं मुझे लगता है जो घास काटना होता है जो घास हम काटते हैं उसको काटने के लिए भी कई सालों का एक्सपीरियंस चाहिए होता है गाँव में आप जाएंगे किसी की गाय ज्यादा दूध दे रही किसी की गाय दूध नहीं दे रही है तो शायद उस औरत को ज्यादा तमीज़ है घास काटने की <laughs> इस औरत को कम तमीज़ है घास काटने की तो वो औरत सीखना नहीं चाहती क्योंकि उसको पता है कि मुझे नौकरी वाला हस्बैंड चाहिए अमूमन क्या हो चुका है कि पहाड़ में एक दौर में पहले लोग क्या बोलते थे कि हमारी लड़कियों को लकड़ी में आग जलाना भी आता है रोटी बनानी भी आती है खेतों में काम करना भी आता है और आज जब आप रिश्ता ढूंढने जा रहे हैं तो आज बोल रहे हैं कि हमारी लड़की को कुछ नहीं आता है अच्छा हमारी लड़की खेतों में भी नहीं जाती नहीं। तो ये क्या हुआ रिवर्स हुआ क्योंकि आपने बीस पच्चीस साल से यही पढ़ाया है उनको तो आज वो लड़कियां क्या चाह रही है वो सारी जो देहरादून में स्कूटी चला रही स्कूटी चलाना बुरी नहीं है पर जैसे बोलते ना कि आज देहरादून में जो पूरी जमात आ रही है या गाड़ियां चला रही हैं सबको यही लगता है कि मैं सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए बनी हुई है मेरे को लग्जरी मिलनी चाहिए और जो घास लेना है वो बिल्कुल क्या है एकदम खराब है लेकिन मेरा मानना यह है कि जब घास को काटने के लिए अच्छी घास क्या है बुरी घास क्या है अगर इसका अप्रिसिएशन होता है और जो व्ही लॉगर है जो व्ही लॉग बना रहा है मैं अब उस पर आ रहा हूँ वो ये चीज बता ही नहीं सकता है पॉसिबल ही नहीं है एक फिल्म का ही बता सकता है कि एक औरत जब घास लेने के लिए जाती है और अपनी भैंस के लिए वो कंसर्न होती है ना कि मेरी भैंस दूध नहीं दे रही है तो मुझे जंगल में कहा जाना है कौन से पेड़ की घास काटनी है हाँ। कि उसको घास खिला करके ये भैंस क्या देना दूध दूध बढ़ेगा दूध बढ़ेगा अच्छी क्वालिटी का दूध निकलेगा और उस उस दूध बढ़ने से भी तो इकोनॉमी बढ़ेगी ना सही लेकिन वीलॉगर बता देगा ये सारी चीजें ना उसे तो पता ही नहीं है उसे तो पता ही नहीं होगा ना वो कैसे बता देगा लेकिन जब हम सिनेमा में वो शॉट दिखाएंगे कि एक औरत कैसे जा रही है कैसे वो घास काट रही है कांटों के बीच से उसकी स्टाइल मैंने धराती फंसानी है आ, वहां से हरा घास निकालना है अंदर से वो निकालना है कांटे को रहने देना है आप कांटा भी काटेंगे घास भी काटेंगे तब तो वो आप जंगली में रह जाओगे सही पूरी रात लग जाएगी लेकिन उसका पांच साल का एक्सपीरियंस है कि वो घास इतनी खूबसूरती से निकाल के लाती है कि वो घास भी काटती है और जंगल की जो चीज होती है उसको नहीं काटती है तो उससे ये भी पता चलता है इन्वायरमेंट के प्रति कितना सेंसिटिव है क्योंकि नेचर के साथ उसका क्या है कन्वर्सेशन हो रहा है रहे, रहे। नेचर के साथ वो क्या कर रही है वो कर रही है तो एज ए फिल्म मेकर इतनी बारीक चीजों को सिनेमा में ही दिखाया जा सकता है उसके अलावा कहीं नहीं दिखाया जा सकता है तो उस बंदे को अगर फिल्म बनानी है तो उसको अपने आसपास की लाइफ को भी एक्सपीरियंस करना है और सिनेमा की टेक्निक तो नहीं छोड़नी है, है मुंबई में आना चाहिए अगर नजदीकी टीचर हो जो अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए उनके पास जाना चाहिए तो मुझे लगता है तब जाके फिल्म बना पड़ेगा नहीं फिल्म ऐसे नहीं बनेगी कि आप वीलॉगर बन गए आपने कहीं पे कैमरा रख दिया आप चाह रहे जो हो रहा है वो नहीं हो सकता क्योंकि फिल्म मुझे लगता है कि आपके टाइम को फ्रीज भी करती है एक्सपेंड भी करती है बहुत तेजी से भी चलाती है और बहुत फास्ट भी होता है वो ठीक ठीक तो वो वो तभी आएगा जब आप सारी टेक्निक को सोचो देखोगे आप फिल्में देखना शुरू करोगे सिनेमा के बारे में बात करना शुरू करोगे तो मुझे लगता है ये तभी तो आएगा माने कि टाइम लगता है इन सब चीज़ों को समझने में ठीक अच्छा संतोष जी एक चीज़ और बताइए कि जैसे कि आप पहाड़ों के बारे में ज़्यादा पढ़े भी हैं और हमने फिल्म बनाई है वहाँ को चाहते रहते हैं तो जो यहाँ की फिल्में हैं क्या वहाँ पे अप्रोचेबल हैं या अभी भी वो सीडी कल्चर या ओटीटी के माध्यम से क्या हम एक दिन वो देख पाएंगे कि जब हमारे यहाँ पे भी जैसे ओटीटी चैनल्स हैं लेकिन वो क्वालिटी अगर आप फिल्मों की देखें तो यहाँ की सीडी क्वालिटी की फिल्में हैं वो उस लेवल की नहीं है जैसे कि जिस मैं तो आपकी फिल्म को उससे कंपैरिजन भी नहीं करना चाहूंगा नहीं। नहीं। वो बहुत लो क्वालिटी की है जैसे पुराने जमाने में 80s आ, 90s की फिल्में थी अभी भी वो वैसे ही बना रहे हैं कॉस्ट्यूम्स भी वही पहना रहे हैं पहाड़ी लड़की अगर दिखानी है तो वही ड्रेस पहना दी हायर करके दो सौ रुपए की जो आती है ड्रेस और पहना दिए और बना दिए वही गाने उसी तरह के तो क्या वो दिन आएगा कि जब हम लोग रियल जो स्टोरीज हैं हमारी उत्तराखंड की वो हम सिनेमा पे देख पाएंगे यहाँ पे यहीं के प्रोड्यूसर्स की और यहाँ की जो हिडन स्टोरीज़ हैं वो किसी दिन हम लोग देख पाएंगे यहाँ की फिल्मों को हाँ मुझे लगता है कि आज हर किसी के पास कैमरा है मोबाइल है हर कोई स्टोरी कहना चाह रहा है हर एक का ये भी है कि जैसे अभी हम यहाँ की इंडस्ट्री में देखते हैं कि बहुत सारे लोग शादी वादी की वीडियो शूट करते थे फिर वो सॉन्ग शूट कर रहे हैं उसके बाद फिल्म बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो ये भी एक अप्रोच है डिजिटल ने चीज़ें सस्ती तो करी हैं टेक्नोलॉजी को घर तक पहुँचा दिया है लेकिन सीखना नहीं चाहता है कोई माना कि ऐव ही समझता है सामने वाले को चाहे वो कहीं से भी पढ़ा हो अच्छे इंस्टूट से भी पढ़ा हो तो उसे लगता है कि मेरे फॉलोवर ज्यादा हैं ये ज्यादा हैं तो मैं इनसे ज्यादा जानता हूं लेकिन वही होता है कि भाई आप जब डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तो उसका अप्रोच अलग है आप सॉन्ग बना रहे हैं उसका अलग है आप फिक्शन बना रहे हैं उसका अप्रोच अलग है उसका पूरा क्राफ्ट है अगर आप एक डायरेक्टर को आप देखते होंगे आप मैं आप तो फिल्म स्टूड से भी हैं आपका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है आप मेरे से बड़े हैं आप देखते होंगे कई डायरेक्टरों को तो पूरा जीवन लग जाता है अपनी तरह की स्टोरी कहने में पहली बार फेल होते हैं फिर दूसरी बार वही कहते हैं वो बार बार रिपीट करते हैं तब जाके ऑडियंस को अक्ल आती है या आप बॉम्बे में भी स्टार को देखते होंगे वो जब शुरुआत में आते हैं तो आपको अजीब से लगते हैं लेकिन जब वो वहाँ टिक के रहते हैं तो बाद में वो स्टार भी बन जाते हैं तो वो टाइम है आपको टाइम देना पड़ेगा वो प्रोसेस है तो सेम यहाँ का भी है कि यहाँ हम जो कहानी कह रहे हैं या जैसे अभी फायर इन द माउंटेन आई वो फिल्म तो पूरे पहाड़ को वो करती है और रिप्रजेंट करती है उसमें जो शराबी है उनका भी मुद्दा है जो पहाड़ की और रहते हैं उसका भी मुद्दा है सब मुद्दे हैं उसमें टिक टॉकर जो बनने चाहते हैं सारे मुद्दे हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ के लोग बॉम्बे की फिल्म बनाना चाहते हैं ज़्यादातर जैसे आप भी जानते हैं उसमें गाना भी होता है उसमें हीरो भी होता है विलन भी होता है सब चीज़ होता है लेकिन फिल्म का बजट बहुत कम होता है वो मुझे लगता है दो शॉट लेने लायक बजट भी नहीं होता है अगर उस तरह की फिल्म आप बनाना चाहते हैं और आपका अगर अप्रोच ऐसा है तो आपको बजट देने वाला कोई नहीं अब जुगाड़ जुगाड़ से तो फिल्म बन जाती है भाई जुगाड़ से आदमी मिल जाएगा मेहनत करने वाला मिलेगा एक बार मिलेगा आप किसी की मेहनत को एक बार फिल्म फिल्म का ग्लैमर इतना बड़ा होता है कि आप बोलते रहे मैं फिल्म बना रहा हूँ तो बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं आपके पास सीखने के लिए और आप उन उनसे गधों की तरह एक बार झूठ बोल करके बेवकूफ़ बना करके काम करवा लोगे और वो प्रोडक्ट भी सही नहीं बनेगा और आपका अप्रोच भी सही नहीं होगा तो दूसरी बार वो बेवकूफ़ नहीं बनेगा हो सकता है वो भी वैसे ही बेवकूफ़ बनाएगा तीसरे को कि भाई मैं फिल्म बनाऊँगा तो उस तरह की अप्रोच यहाँ चल रही है फिल्म बनाने की बल्कि राइट अप्रोच ये होनी चाहिए कि बॉलीवुड कैसा फिल्म बनाता है बॉम्बे का सिनेमा जितना मैं जानता हूँ मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ और वो वही बेच रहे हैं जो हम बनना चाहते हैं जो हमारे सपने होते हैं तो हमारे सपनों को बेचते हैं वो तो वैसे ही हमें यह होना चाहिए कि अगर हमें पहाड़ का सिनेमा पे काम करना है तो रियलिज्म जो रियलिस्टिक कहानियां हैं वो कहने के लिए बहुत सारे फिल्में आ जाएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब एफ में भी जा रहे हैं सर एफ में भी जाएंगे वो आएंगे तो उन्होंने मार्केट ढूंढना या तो मुंबई में काम करेंगे या फाइनली उनके दिमाग में भी तो रहता है यार पहाड़ की कहानी मुझे भी कहनी है तो एक एक दो दो फिल्में ऐसी होंगी जो औरतों के मुद्दे पर होंगे पहाड़ के बुढ़्ढों के मुद्दे पर भी होंगे लेकिन अगर इकोनॉमिकली देखना पड़ेगा अगर आपको इंडस्ट्री में इकोनॉमिकली ग्रोथ करना है तो मुझे लगता है कि हमें पहाड़ का वो हिडन चीज दिखाना पड़ेगा जिसको हम कई सालों से मिसमराइज तो करते हैं उससे हम जीते भी हैं कि पहाड़ इतने मिस्टीरियस होते हैं जंगल में जाता हूँ वहाँ भूत मिलता है मेरे को मेरी दादी कहती थी कि नंदा देवी ऐसी आती है भाई तो अगर हम उन कहानियों को ढूंढना नहीं शुरू करेंगे उनके ऊपर एनालिसिस नहीं करेंगे चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो सोशल हो चाहे वो मिथिकल हो जब हम इन कहानियों को कहेंगे उनको बहुत खूबसूरती से बुनना शुरू करेंगे जो लोक की कहानियाँ हैं तो तब जा कर के लोग उससे रिलेट कर पाएंगे क्योंकि मेरी जो कम्युनिटी आती है वो उन्हीं मिथों से आती है अमेरिका से बंदा आ रहा है और वो भूत बोला कि भूत लगा हुआ है पीढ़ियों का उसके दादा ने हमारा शोषण करा मेरे दादा ने उसका शोषण करा और कई सालों से हम उस देवता से नचा रहे हैं और वो बंदा कहाँ से जर्नी करके आ रहा हैदराबाद से जर्नी करके आ रहा है वो बड़ी एम में काम करता है और जब उसके बच्चे को कुछ कहीं पे हो जाता है तो बोलता है नहीं नहीं जब वो ठीक नहीं होता तो लास्ट में क्या अप्रोच होता है आपका उसकी माँ कहती है कि अरे हमारे यहाँ पता नहीं तुम्हारी देवी नाराज हो रखी ये नहीं ये जो अप्रोच है इन अप्रोचों को भी हमें स्टोरी में लाना पड़ेगा लेकिन एक साइंटिफिक तरीके से लॉजिकल वे में हाँ। इन माने कि उसमें कैरेक्टर भी होना चाहिए और जब हम इन कहानियों को कहेंगे तो ये हमारे आसपास के ये हमारी कहानियां नहीं है नहीं। मुझे लगता है तमिलनाडु के गांव में भी ऐसे ही होता होगा जी, तो हमारा सिनेमा यहाँ तक अभी पहुंचा नहीं है नहीं। और जब हम इस सिनेमा को कहेंगे तो शायद बहुत सारी ऑडियंस हमें मिलने क्योंकि आपको वो चीज़ भी देखनी है जो हिडन होती है और आदमी हमेशा उसी चीज को देखने के लिए लालयत रहता है हाँ। जो हमेशा हिडन होती है जैसे मुंबई किस चीज को दिखा रहा है आपके दिमाग के हिडन ग्लैमर को दिखा रहा है सही बात तो वैसे ये इंसिडेंट मेरे साथ कोरिया में हुआ था अच्छा। जब मैं कोरिया में गया था तो कोरियन लोग तो हमें तो दो चार दिन में क्या दिखने है वो कोरियन माने वही दिखेंगे जो सामने होंगे लेकिन वो बहुत हम्बल है बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है और वहां मैंने बच्चे नहीं देखे सारे यूथ देखे और डेवलप कंट्री है जब मैं यहाँ से जा रहा था तो वहाँ का जो वहाँ का जो करेंसी है वो बहुत डाउन है हमारा करेंसी जो बहुत ऊपर है क्योंकि वहाँ फिजिकल क्या बोलते हैं जो बाहर का कंट्री आता है क्योंकि वहाँ पब्लिक वहाँ बाहर के लोग हैं ही बहुत कम आते हैं इंडियन हा, भी हा, नहीं है बहुत कम है या तो जापान से होंगे इधर से होंगे हुँ। हुँ। थोड़ा बहुत कोरिया लेकिन कोरिया डेवलप कंट्री है लेकिन वो फिल्म में क्राइम दिखा रहे हैं पूरा जो वहाँ है नहीं वैसा तो मैंने उनसे बोला कि ये क्राइम क्यों रहता है यार तुम्हारी तो फिल्मों में इतना ज्यादा मैंने हमारी इंडिया में घर घर तक घुस चुका है वो लोग बोलने रहे के कल्चर हाँ। ठीक है और मैं जब जब मैंने वो पूछा तो बोला कि ये यहाँ का हिडन ट्रूथ है अच्छा लोग जो पे हाँ, है से दिखाया जा, दिखाया जा रहा है उसको आप सिनेमा में कैसे परोस रहे हैं मैंने वो होगा थोड़ा बहुत लेकिन आप उसको भी क्या कर रहे हो स्टोरी टेलिंग में इनहेंस कर रहे हो ना, ग्लोरीफाई कर रहे हैं कोई भी हाँ। करता है सिनेमा में थोड़ा बहुत तो होता ही है हाँ। नहीं तो क्यों आएगा देखने के लिए तो हमें पहाड़ में भी ग्लोरीफाई तो नहीं लेकिन हमें वो ग्लोरीफाई तो होती है चीज थोड़ा बहुत लिबर्टी लेने पड़ते है। जैसे वाटर बबल में बबल है तो बबल तो पानी तो रिस्क आता है ना लेकिन मैंने बबल दिखा दी लोटे में भी दिखाया और तालाब में भी दिखाया तालाब में बबल थोड़ना था पर वो पाइप लगा करके हमने बबल डब्बा <laughs> बल बनाए तो जिससे आप रिलेट कर पाए थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी कनेक्ट कर पाए और हमें जो पहाड़ दिखता है यहाँ के लोगों को पहाड़ वही दिखता है गाँव उसको लगता है मेरे गाँव जैसा सुंदर गाँव नहीं है हाँ। तो मुझे लगता है शायद वो कश्मीर नहीं गया हो सकता है वो हिमाचल नहीं गया अरे कभी अपने गाँव से बाहर निकलो यार तुम्हारे गाँव से भी सुंदर गाँव <laughs> बहुत सुंदर ठीक है।, है, है तुम्हारे गाँव से भी सुंदर स्टेट हमारे स्टेट से भी सुंदर स्टेट हिमाचल हो सकता है कश्मीर को बोलते हैं जन्नत है ठीक है वैसे ही हो सकता है कि भाई स्विट्जरलैंड पता नहीं कितना सुंदर हो तो आप बार बार लोगों को बोल रहे हो कि उत्तराखंड सुंदर है उत्तराखंड सुंदर है सुंदर होने से क्या होता है वहाँ की जो मिस्टीरियस कहानी है वहाँ का जो हिडन ट्रूथ है जब वो आएगा तब जा करके आपका जो कल्चर है वो फ्लोरिश हो फ्लोरिश होगा हो रिफ्लेक्ट होगा और जब उसके साथ इकॉनमी जुड़ेगी चार लोगों का परिवार चलेगा इकोनॉमी चलेगी तब जाके इंडस्ट्री डेवलप होगी तो हमें वो कहानियां कहनी है जो हिडन है जो हमारे बुजुर्गों से हमने सुनी हुई है हमको उनको नहीं करना है नहीं। अभी तक हमने क्या करा हमारा जो पिछले, जो पिछले हमारे बुजुर्ग थे ना हमें हमने हमेशा चार किताबें पढ़ के उनको बोला अरे इनको कुछ नहीं आता नहीं। मैं तो यूनिवर्सिटी में चार किताब पढ़ के आया हूँ इस बुडे को क्या पता और तू यहाँ तक जो पहुंचा हुआ है किसकी वजह से पहुंचा हुआ है उनकी मेहनत से उठा उन खेतों में उन्होंने काम करा ना और जो उनके साथ बीता है जो उनका पूरा साइकोलॉजिकल नहीं। नहीं। जर्नी, जर्नी रही है।, है या उनकी जो फिजिकल जर्नी रही है हमको उस जर्नी को रिप्रेजेंट करना चाहिए ठीक। और बार बार वही नहीं कहना चाहिए कि पहाड़ के मुद्दे हैं पलायन औरत ये है इसके अलावा भी बहुत कुछ है आ, बहुत कहानियां है बहुत कहानियां है वो कहिए ना एक चीज जो यहाँ के फिल्म मेकर्स में आपने शायद नोट की होगी जब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा था टू में तो मैंने भी देखा था तो जैसे पिछले दिनों आप मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि एक सोसाइटी होनी चाहिए जो यहाँ पे सबको सपोर्ट करे वो आपके क्या थॉट्स हैं उसको लेके जो आपकी जो आप एक स्टार्ट कर रहे हैं कि एक सोसाइटी क्रिएट की जाए जिसमें फिल्म मेकर एक दूसरे की मदद की जाए व्हाट इज दैट मेरा यही था कि जब मैं यहाँ उत्तराखंड में आया फिल्म बनाई मैंने पता चलती और यहाँ का जो मेरे साथ क्रू था वो आ, वो नहीं था मैंने कि सपोर्टिव सपोर्टिव नहीं जो मेरी फिल्म के क्रू के साथ जुड़ा हुआ था उन लोगों को लगा कि पता नहीं कोई आया है फिल्म बना रहा है अच्छा। बना रहा है जैसे बोलते थी, हैं ठीक है और जब मैं उनको ले गया जर्नी पे 25-25 किलोमीटर उन्होंने ट्रैक करा तो वो बोल रहे होंगे पहाड़ को सूट कर रहा है अच्छी तरह से कैप्चर करके लेकिन जब उन्होंने फुटेज देखा ना शूट करते हुए तो उनको लगा कि जो हम अपनी आंख से देख रहे हैं वो कुछ और है जो वीडियो उन्होंने देखे कुछ और है जो ये अभी कैमरे में कैप्चर हुआ ये कुछ और है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया तो वो मेरे साथ मैं मैंने तो दस साल लगाए हैं उस चीज को पाने में या मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया हुआ और उन बच्चों को एक ही फिल्म में मिल गया ना वो वो चीजें तो हो सकता है कि वो बच्चे कल की डेट में मेरे से बेहतर काम कर सके तो जो सवाल आपका क्या था मेरा अप्रोच ये था कि जैसे आपने कहा कि बच्चे काम कर सके हाँ हाँ। तो बहुत से लोग होते हैं कि होता है ना कि पुल पुल डाउन करना हाँ हाँ। क्या फिल्म बना रहे हैं तो वही क्या सपोर्ट करना अकेला बना रहा है अकेला ला चलो वाली बात हाँ क्योंकि क्यों, क्यों, वो खंड खंड में विभाजित हो रखे हैं

उसके बाद जो उनका अप्रोच था वो बदल गया फिल्म देखने का उसके बाद क्या हुआ उनके साथ मैंने हर संडे बात करी हर संडे में जाता था और मुझे पैसा नहीं मैंने पैसे की एक्सपेक्टेशन नहीं करी हुई थी मेरे घर में थोड़ा बहुत चल जाता क्योंकि मेरी मिनिमम आवश्यकताएँ हैं दो वक्त का रोटी खाना है मैंने सिनेमा को कभी नहीं लिया कि अरे मैं करोड़ों कमाऊँगा पता नहीं कितने लोग आएंगे ये नहीं था मेरा ये था कि भाई एक लाइफ है इसमें अच्छा काम करना अब सिनेमा में आ रखा हूँ तो इसमें ढंग से देना है टाइम अब हुआ क्या है वो बच्चे मेरे से जुड़े जुड़ने के बाद मैं उनके साथ बात करता रहा करता रहा तो दो लोग उसमें से क्रैक कर गए तो तो मेरे अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया वो तो सोसाइटी हमने बोला कि हम एक सोसाइटी फॉर्म करेंगे जिसमें जो नए बच्चे आएंगे सबसे पहले वो अच्छे इंस्टीट्यूट ढूंढें अच्छे टीचर ढूंढें जो फिल्म स्कूल से पढ़े हुए उन लोगों को अप्रोच करें जो बहुत इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं उनको अप्रोच करें उनका काम देखें और उसके बाद सीखें सीखने के बाद आगे बढ़े आगे बढ़ेंगे तो फिर वो उत्तराखंड लौट के आएंगे और उत्तराखंड में अगर उन्होंने 22 साल बिता रखे हैं जैसे तिग मानसू धुलिया का मैं एग्जांपल देता हूँ तो उनका बॉर्न एंड ब्रोटअप पूरा इलाहाबाद है जी। तो उनकी फिल्मों में पूरा इलाहाबाद यूपी दिखता है जी, जी, लेकिन अगर हमारे यहाँ मेरा बॉर्न एंड बॉटअप गाँव से होगा और मैं बाईस साल गाँव में रहूंगा तो लास्ट में मुझे अप्रोच कहीं ना कहीं गाँव की करनी अभी तक मुंबई में वो लोग काम कर रहे हैं पहाड़ के जो पहाड़ से जिनकी बिलोंगिंग तो है दादा का कनेक्शन रहा होगा या दादी का कनेक्शन रहा होगा उससे कोई कनेक्शन नहीं है तो पहाड़ के लिए उनके लिए प्रेम है वो भी मेरे लिए क्या रिगार है रिगार्ड है लेकिन अभी हमें वो जनरेशन चाहिए जिसने 20-22 साल पहाड़ में बिताया या पूरा देहरादून में बिताया पहाड़ों में घुमा हुआ है तो 22 साल का जो एक्सपीरियंस होगा सिनेमा की टेक्निक तो बच्चा फिल्म स्कूल में जाएगा जितना हमारा बच्चा अच्छे स्कूलों में पढ़ेगा जितनी उसकी अच्छी एजुकेशन होगी उतना बढ़िया होगा सेम चीज मैं अभी उस सवाल को करता हूँ कि मैं जहाँ भी फेस्टिवल में गया विनर कौन रे इन अच्छा तो मुझे ईरानियनों से क्या हो गया फोबिया हो गया यार ये किसी भी फेस्ट माने कि हर फेस्टिवल में ईरान से क्या है फिल्म है मैं रस्तमी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यंग जनरेशन की फिल्में फिल्म फिल्मेकरों की बात कर रहा हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ तुम तुम्हारी पढ़ाई कहाँ होती है वो बोलता है मैं मेरी पढ़ाई फ्रांस में हो रखी अच्छा माँ बाप उनके फ्रांस में है पढ़ने के लिए वो रशिया आ रहा है तो वहां के माँ बापों का अप्रोच देख रहे हैं वो अपने बच्चे को सिनेमा पढ़ाने के लिए रशिया भेज रहे हैं रशिया जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन में फ्रांस में या यूसीए कोई भी न्यूयॉर्क एकेडमी, एफ वगैरह जो भी है तो वो बच्चे पहले, वो चाह रहे हैं कि ईरान पे सिनेमा बने लेकिन उससे पहले मेरा बच्चा क्या हो एजुकेटेड हो सिनेमा की एजुकेशन, एजुकेशन ले। ले। ले ले। और तब जाकर के आज पूरी एक फौज तैयार हो चुकी है ईरान में जिनको हम कम्पीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो वेल एजुकेटेड हैं वेल रेड हैं और वेल well उनको अपने कल्चर की क्या है समझदारी, समझदारी है हाँ। तो वो अब भास्कर स्वामी से आगे का सिनेमा जरूर कहेंगे हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है कि हम मोबाइल फोन ले रहे हैं जगह पे ब्लॉग बना रहे हैं ठीक है वो बनाना भी जरूरी है लेकिन आपको सिनेमा में उतरना है तो आपको एजुकेशन लेनी ले पड़े पड़ेगी आपको पढ़ना पड़ेगा और जो मैं ईरान का एग्जाम्पल दे रहा हूँ हमारे यहाँ के पेरेंट्स को हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं उनको अपना अप्रोच बदलना पड़ेगा कि भाई पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको टाइम देना पड़ेगा और टाइम देने के बाद दस साल के बाद एक बच्चा पांचवी क्लास में जाता है ना तो पच्चीस साल बाद रिजल्ट देता है वो सही ठीक है तो आप ये नहीं सोचेंगे कि आपने पांच लाख रुपए का कैमरा दे दिया उसको <laughs> और आप बोलेंगे कि भाई जाबा भाई फिल्म बना ले अब तो तू बना ही सकता है जी। तो कैमरे से फिल्म थोड़ी ना बनती है वो तो एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए आपको इंटायर एजुकेशन चाहिए तो वो एजुकेशन यहाँ नहीं है और वो एजुकेशन में ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एफ और एस आर में तो आप जा सकते हैं लेकिन वो एजुकेशन डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को

अगर मेरे पास कहानी है तो मेरे मेरा कहानी के लिए अप्रोच कैसा है कि मैं जो आइडिया सोचता हूँ सबसे पहले मैं उस आइडिया को चार पांच महीने दिमाग में रखता हूँ है, नहीं है टिक रहा है दिमाग में नहीं टिक रहा है तो डीप डीप जाओ डाउन जाता हूं। फिर मैं साहित्य में इस कहानी को टटोलता हूँ ये कहानी किसी ने लिखी तो नहीं है चेखव ने तो नहीं लिखी गुरकी ने तो नहीं लिखी है या हमारे यहाँ के विद्यासागर नोटियाल जी ने तो नहीं लिखी है या वहां कुमा उसे हिमांशु जोशी ने तो नहीं लिखी है या मनोहर श्याम जोशी ने इस पर कुछ लिखा तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो कहीं और से तो नहीं है। कहीं से इंफ्लुएंस या अगर आपको लगता है कि मैं दुनिया में बहुत ही खतरनाक सोचता हूँ या मैं तो पता नहीं बम फोड़ दूंगा तो पहले आप अपने आइडिया को उन महान साहित्यकारों से देखो तो सही हो सकता है उनसे बेटर अरे उनका उन्होंने हमसे ज्यादा पढ़ा हुआ है पहले उनको उनको अप्रोच करो तो मेरा कहानी का अप्रोच ऐसा होता है और उनकी कहानी जब मैं पढ़ता हूँ तो तब मुझे लगता है कि मैं इसमें नया क्या कर सकता हूँ ठीक ठीक तो मुझे लगता है कि हमको साहित्य भी पढ़ना चाहिए अपनी फोक कहानी भी पढ़ने चाहिए और अपने माँ बापों से लेके अपने आसपास के बुजुर्गों का सारा एक्सपीरियंस हाँ। लेना चाहिए और उसके अलावा सिनेमा की टेक्निक और ये एक जर्नी है ऐसा नहीं हाँ। कि आप फटाफट पढ़ेंगे और हाँ वो तो टाइम के साथ जा जाके करते हैं एक चीज़ बताइएगा संतोष जी की क्या लगता है कि नियर फ्यूचर हम लोग एक नेशनल अवार्ड हमारे उत्तराखंड को मिलता हुआ देख सकते हैं हाँ हाँ मिल जाएगा जब यहाँ इतने बच्चे हैं जैसे दो एफ टी आई में निकल सकते हैं एक ही साल में हमारे ग्रुप से या जैसे आप भी एस आर एफ टी आई से है आप भी मैंने की आप कई सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बहुत उत्तराखंडी है हैं नहीं। नहीं। बहुत well है, well हैं हमारे बहुत उत्तराखंडी जो बहुत वेल रीड हैं वेल पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पे जो बनाने वाले हैं वो बनाने वालों की तादाद ज्यादा है लेकिन वो सिर्फ यूट्यूब का वीडियो बनाने की तादाद ज्यादा है लेकिन यहाँ पे जब वो जो फिल्म मेकर पढ़ के आएंगे जब वो क्योंकि उनका अप्रोच अलग होता है उनको ये लगता है कि यार अगर मैं एक कहानी लिख रहा हूँ तो इसका बजट इतना जाएगा ही पांच लाख जा सकता है दस लाख जा सकता है बीस लाख जाएगा तो कोई अच्छा अगर टेक्निक पढ़ के आया होगा उसको सिनेमा की समझ होगी तो जब तक उसको बीस लाख रुपये नहीं मिलेगा तो तब तक नहीं बनाएगा क्योंकि उसको पता है कि मैं इस कहानी के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा जी तो इतना तो होना चाहिए तो जब इस तरह की अप्रोच आएगी और इस तरह की समझ हमारे यहाँ के पैसे वालों को भी होगी जो सिनेमा अच्छा सिनेमा माने आप बोलते रहे हो कि हमारा कल्चर हमारा कल्चर पर कल्चर है कहाँ कल्चर सिर्फ पांडव लीला है कल्चर सिर्फ राम लीला है कल्चर सिर्फ झोड़ा चोफला है जो तुम्हारे में खत्म हो चुका शादी में कल्चर तब होता है जब जब आप आप पूरे कल्चर की जो जो हिस्ट्री होती है उसके जो ग्लिम्स होते हैं उसको आप सिनेमा में सिनेमा क्या करते, करते हो पिर होते हो हाँ। जहां पे जरूरत होती, होती है स्टोरी टेलिंग में जब स्टोरी टेलिंग में वो आएगा तो डायरेक्टर उस झोड़ा चौफला को भी क्या कर देगा ले आएगा ले आएगा अच्छे तरीके से लाएगा उसको मेहनत करके लाएगा उस आर्टिस्ट को भी लाएगा जो जानता है

आगे बढ़ता है ना तो कल्चर अपने आप उसमें क्या हो जाता है स्टोरी टेलिंग अगर नेशनल लेवल की भी हो मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनली ना बनाओ आप अगर आपने ढंग ढंग की फिल्म बना दी उसमें टेक्निकल टेक्निकलीवेल है तो उसमें सब चीज क्या आ जाएगी उसमें जो सो कॉल्ड अपने को आर्ट आर्ट फिल्म मेकर कहते हैं वो भी आएंगे और उसके साथ ग्लैमर भी आ, आता है जब उसकी बुनियाद सही हो जाएगी तो सब चीज़ आएगा उसमें बट इन माई ओपिनियन आप बता रहे हैं ना मुझे जो लगा है पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि देखिए उत्तराखंड में स्टोरीज बहुत है। हाँ, हाँ, वो तो कहानियां बहुत हैं फिल्म बहुत हैं जो हमारी जो बैकबोन है वो ब्रेक कैब होती है जबकि हमें बजट नहीं मिल पाता डेफिनेटली एक फिल्म मेकर जब कोई फिल्म बनाता है जैसे कि आपने ये फिल्म बनाई अगर वो फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट नहीं होती अगर वो कहीं नहीं रिक्नाइज करते तो वो आपका लॉस था जो भी पैसा लगा उसमें ऐसे ही कोई भी फिल्म मेकर अगर कोई फिल्म बनाता है उत्तराखंड से या कोई पुरानी कहानी या कोई विरासत की जो स्टोरी है पे या नहीं। नहीं। पुरानी कहानियां हैं बहुत सारी हैं मेरे पास तो बहुत स्टोरीज हैं जो मैंने ओल्ड पढ़ी है वो उस पर पैसा तब लगाएगा जबकि उससे वो एक पैसा तो कमाए कम से कम कॉस्ट तो निकल जाए लेकिन यहाँ पे वो कॉस्ट ना निकलना वो भी एक वो है तो जो भी फिल्म मेकर है जो कि हम लोग अभी आप बात कर रहे थे तो वो गवर्नमेंट की तरफ देखता है और गवर्नमेंट उस तरफ फिल्म देख रही है, है? है, तो, uh, तो है। वाकई में इकॉनमी हो मैंने आपको ये आपको इतनी मेहनत करनी है स्टोरी टेलिंग में मुझे लगता है मुझे भी इतनी मेहनत करनी है मैं पतालती से इतना सीख चुका हूँ बाहर जा करके यहाँ जा करके कि मैं ये फिल्म नहीं बनाऊंगा दोबारा जिसमें से पैसा नहीं निकल रहा है पैसा नहीं निकल रहा है ठीक है मैंने बना दिया पैशन था लोग आ गए सबने सीखा हमें मिला उससे ज्यादा मैं गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूं कि आप मेरी फिल्म को दिए जिन लोगों को दे रहे हो आप दे रहे हो वो उनकी अपनी सेटिंग है इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि <laughs> मैं अप्रोच करूँ फाइल लगाऊँ फिर आपको बोलूँ कि ये पैसा दो या आप पॉलिसी बनाओ शॉर्ट फिल्म के लिए या शॉर्ट फिल्म के लिए पॉलिसी होनी चाहिए क्योंकि आप छोटी फिल्म बनाएंगे तभी तो बड़ी फिल्म बनाएंगे तो मेरा ये मानना है कि मुझे अभी दस गुना ज़्यादा मेहनत करनी है और एक ऐसी कहानी लिखनी है जिसको देखने के लिए मैं मजबूर कर दूं लोगों को लो, लो, लो. कि आप हॉल में आइए मैं आपको पहाड़ का रोना नहीं सुना रहा हूं मुझे वो देखना भी नहीं और मुझे तुम्हें दिखाना भी नहीं है मैं पहाड़ की वो कहानी सुनाऊंगा कि आपको ये बोला यार होगा क्या इसके अंदर ऐसा क्या दिखा दिया इसने जी। और वो मजा हॉल में आए आप आए तो देखें ठीक है उसके लिए मुझे भूखा रहना पड़े मानी मतलब मैं विजुअल में पैसा खर्च करूंगा अपने लग्जरी में खर्च नहीं करूंगा जी। मैं अपने क्रू को मेरे क्रू मेरा जो क्रू है अभी जो बना हुआ है उनका भी यही मानना है कि भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं खड़े हुए हैं हम खाना माने कि हमें लग्जरी नहीं चाहिए कि हम इसमें चाहिए लेकिन जो जो आप बना रहे हो वो इतना बेहतरीन होना चाहिए कि हर कोई पहाड़ी बोले यार फिल्म को देखने आना चाहिए अब ये नहीं बोलूंगा मैं कि अरे मैं पहाड़ के गांव दिखा रहा हूँ अरे देखने आ जाओ यार इस ये मेरा अप्रोच नहीं ना पदालती के लिए मेरा पदालती मैं में मैंने वो जो पहाड़ का जो एक होता है ना स्पिरिचुअलिटी होती है पानी के लिए पत्तों के लिए हमें पूजा करते हैं ये हमारा क्या अप्रोच होता है नेचर के लिए वो दिखाई है जो थोड़ा बहुत हिडन है जी लेकिन इसमें हिडन के साथ वो भी है क्या बोलते हैं एक थोड़ा सा इंगेजिंग स्टोरी होगी अच्छा, कि आपको आना पड़ेगा वो मुद्दों को छू रही है तो छू रही है वो मेरा टेक नहीं है क्योंकि मैं मैं कह रहा हूँ कि एज ए मैंने फिल्म मेरी कहानी अगर पहाड़ से है तो पहाड़ के बारे में ही कहेगी लेकिन मैंने वो ठेका नहीं ले रखा है कि मैं अब बोलूँगी इस मुद्दे को मुझे उठाना है मुद्दा उठाना पॉलिटिशियनों का काम है मुद्दा उठाना बाबाओं का काम है वो मेरा मेरा काम है स्टोरी टेलिंग करना तो एक मैं कहानी क्या एक सिंपल सी कहानी एक सिंपल सी कहानी और बढ़िया कहानी जिसको हमारे माँ बापों ने हमारे बाप दादाओं ने जिया है और उनके जीवन को हम अच्छे से दिखाएं जिसमें एक भी शामिल हो जिसको आप देखने भी आए और उसको आप मजे भी करें और देखें भी बहुत बढ़िया इस जवाब के साथ ही मैं अब इस बातचीत को बंद करता हूँ और जो भी हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं इस सीने टॉक को सुन रहे हैं मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ कि जो भी आप कहानी कहना चाहते हैं संतोष जी ने ये बताया कि पूरे शिद्दत के साथ अगर आप उसे अपने इस फ्रेम पे लेके आएंगे तो लोग मजबूर हो जाएंगे उसे सिनेमा हॉल में देखने के लिए या ओ पे देखने के लिए और आप उससे पैसा भी कमाएंगे बट शर्त यह है कि आप उसे अपने दिल से, से और अच्छी नीयत से उसे प्रेजेंट कीजिए अपने ऑडियंस को धन्यवाद सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके थैंक यू वेरी मच और आप लोग कहीं मत जाइएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करते रहिएगा अगली मुलाकात फिर होगी आपके साथ धन्यवाद नमस्कार